गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई एके पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था निबोस HSW कोर्स के तहत हमने एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर जो पार्ट वन है वो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट टू की, जो ये इसका लास्ट व अंतिम पार्ट होगा निबोस HSW कोर्स के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का। और एक बात और बता दूँ आपको, जो निबोस HSW कोर्स के बारे में मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो निबोस HSW कोर्स के बारे में जितनी भी जानकारी है, चाहे आप हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो, दोनों भाषाओं में जो है वो आपको इस वीडियो दोनों भाषाओं में वो वीडियो बनाई गई है मेरे द्वारा। तो निबोस HSW फर्स्ट स्टेज इन सेफ्टी फील्ड, बिल्कुल सही बात है। तब हम डिस्कस करेंगे निबोस HSW के अंदर सबसे पहले। तो आज का जो हमारा जो ये लेसन है, लगभग 2 घंटे के करीब रहने वाला है। इस पर चर्चा करेंगे हम पूरी कंप्लीट तरह से। और एक बात बता दूँ, पार्ट वन पार्ट टू दोनों अपलोड हो जाएंगे, और इसके बाद जो है एक मैराथन क्लास के द्वारा। तो गाइज, इसके बाद जो है आपको मैराथन क्लास, जो पार्ट फर्स्ट था पार्ट सेकंड था, वो लगभग 5-6 दिन के बाद आपको, तो दोनों पार्ट जो है अब आपको सीधी सी बात, दोनों पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और वह जो क्लास लाइव होगी, ये तो फर्स्ट तरीके से होगी, उसके अंदर सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाएगा। एक तरह से इनमें जो रिवीजन किया गया, उसी प्रकार से रिवीजन किया जाएगा इसके अंदर एग्ज़ाम के नज़दीक। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम इसका नियर आने वाला है अभी जून के अंदर, जिसका एग्ज़ाम जो है निबोस HSW का एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइज, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का लेट स्टार्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट, तो लेट स्टार्ट। अगर आपको इसकी जो PDF है वो चाहिए, तो आपको हमारे चैनल के नीचे हमारा जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको मिलेगी, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इसकी PDF है वो वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन, लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि विच इज मॉरल रीजन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इन वर्क प्लेस। तो विच इज मॉरल रीजन, सामान्य नैतिकता के हिसाब से मॉरल रीजन क्या है एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इन वर्क प्लेस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन, सेकेंड है टू प्रिवेंट पेन एंड सफरिंग, टू प्रिवेंट एडवर्स पब्लिसिटी फॉर द कंपनी, और फोर्थ ऑप्शन है टू प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा इनमें से। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट के अंदर साफ साफ दिया गया प्रिवेंशन ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कोई भी प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्ट है या इस प्रकार से लॉस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेकेंड है टू प्रिवेंट पेन एंड सफरिंग, इसमें कुछ लग रहा है। थर्ड ऑप्शन है टू प्रिवेंट एडवर्स पब्लिसिटी फॉर द कंपनी, तो एडवर्स पब्लिसिटी यानी कंपनी के अंदर एडवर्स करना, ये कोई एक्सीडेंट इल हेल्थ इन वर्क प्लेस का कोई एग्जांपल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हो टू प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कोई भी उपकरण है प्लांट के अंदर वो डैमेज हो गया है तो एक्सीडेंट का कारण है, तो बिल्कुल नहीं है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, वो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, टू प्रिवेंट पेन एंड सफरिंग। टू प्रिवेंट एंड पेन सफरिंग यानी पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके इलनेस है या फिर उसकी पेन है, तो वह एक एक्सीडेंट, यानी कि जो जब भी वह वर्क प्लेस पर जाएगा और पहले से वह ऑलरेडी इलनेस का शिकार है, यानी बीमार, उसकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं है, और वह वर्क पर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका काम में जो है अच्छी तरह से जो ध्यान देना चाहिए वह नहीं दे पाएगा, और एक्सीडेंट बनने का एक कारण बन सकता है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर, टू प्रिवेंट पेन एंड सफरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शुड ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बी कम्युनिकेटेड टू वर्कर्स, यानी व्हेन शुड ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बी कम्युनिकेटेड।
टू वर्कर्स, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को जो है कब कम्युनिकेट करना चाहिए तो कब करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर एन एक्सीडेंट, सेकंड ऑप्शन है व्हेन ए वर्कर डेवलप्स वर्क रिलेटेड हियरिंग लॉस, थर्ड ऑप्शन है ऑन इंडक्शन एंड व्हेन एवर चेंज हैव बीन मेड, फोर्थ ऑप्शन है एवरी मंथ। तो व्हाट इज राइट आंसर, टेल मी, टाइप ऑन कमेंट बॉक्स। फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कब कम्युनिकेट किया जा सकता है, एक्सीडेंट होने के बाद। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि वहीन ए वर्कर डेवलपर्स वर्क रिलेटेड हेयरिंग लॉस, यानी एक वर्कर है जब भी उसके हियरिंग लॉस हो जाते हैं मशीन की वजह से कोई हियरिंग लॉस हो जाता है उसको, तो उसके बाद जो है सेफ्टी पॉलिसी को कम्युनिकेटेड किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीने में। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी ऑन इंडक्शन एंड व्हेन एवर चेंज हैव बीन मेड, यानी जब भी नई पॉलिसी को लागू किया जाता है इंडक्शन के द्वारा तभी जो है कम्युनिकेटेड सेफ्टी पॉलिसी को कम्युनिकेटेड किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन ऑन इंडक्शन एंड व्हेन एवर चेंज हैव बीन मेड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा विच इज ए हजार्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इज ए हजार्ड, तो हजार्ड क्या है इनमें से। जाहिर सी बात है मैंने आपको दो तीन बार बता दिया इसके बारे में विच इज ए हजार्ड। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कि बर्न्स, सेकंड ऑप्शन है कोलैप्स विद ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन है बैक पेन और फोर्थ ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का इसके अंदर, तो राइट आंसर होगा बर्न्स, मतलब जलना। तो ये कोई हजार्ड नहीं है, हजार्ड एक तरह का, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा हजार्ड के बारे में। हजार्ड वो चीज़ है कि सपोजिट, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि कोई वर्क प्लेस है, इस पर एक रोड निकली हुई है और यहाँ पर वर्क प्लेस है, यहाँ पर व्यक्ति एक सर वर्कर जो है काम कर रहे हैं और वो वायर या तो इलेक्ट्रिक शॉक का कोई वायर पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं बिना किसी ध्यानपूर्वक के, तो वो एक हजार्ड हो सकता है। दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर आपको पता है कि फ्लैशिंग सीढ़ी जो मार्बल्स जो चौके लगे होते हैं वो एकदम फिसलन है और उसमें कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, तो उसके अंदर वह क्या है हजार्ड है, क्यों व्यक्ति गिर सकता है उसके हजार्ड है। या फिर तीसरा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक बोर्ड है दीवार के अंदर, इसमें कोई भी जो रोड है वो बाहर निकली हुई है इस प्रकार से, तो वो किसी के आने जाने वाले व्यक्ति को लग सकता है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर व्यक्ति उनके लग सकती है, तो वो क्या एक हजार्ड है। कंट्रोल मेजर क्या क्या हो सकते हैं, कंट्रोल मेजर आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कंट्रोल मेजर क्या होते हैं। कंट्रोल मेजर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसके बारे में, एक सीढ़ी के बारे में, यानी ये फिसलन सीढ़ी है और इसमें से व्यक्ति गिर सकते हैं, एक तरह का हजार्ड है। इसके कंट्रोल मेजर क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम रैंप बना सकते हैं एक तरह का, और साइन बोर्ड भी लगा सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उतरे तो ध्यानपूर्वक उतरे क्योंकि ये सीढ़ियाँ जो फिसलन है, इस प्रकार से साइन बोर्ड लगा सकते हैं और एक रैंप बना सकते हैं ताकि वो हजार्ड की तरह न रहे। और यह जो मैंने आपको बताया लास्ट में, यह इसके जो कंट्रोल मेजर होते हैं, कंट्रोल मेजर मतलब उस चीज़ के उपाय। तो सेकंड ऑप्शन आपने देखा कि सेकंड ऑप्शन क्या है इसके, कोलैप्स विद ऑब्जेक्ट, तो कोलैप्स विद ऑब्जेक्ट किसी वस्तु से, कोलैप्स मतलब ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु से क्या करना, टकराना, किसी वस्तु से टकराना। और थर्ड ऑप्शन है बैक पेन, यानी पीठ के अंदर आपको बैक पेन हो जाना कोई काम करते वक्त। इन्फ्लुएंजा, मान लो कोई बीमारी जो है आपको इन्फ्लुएंजा की तरह हो जाए, तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसके अंदर, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो है आपका राइट आंसर होगा कोलिशन विद ऑब्जेक्ट, जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज सेकंड बी, कोलिशन विद ऑब्जेक्ट्स। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर है विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो विच इज ए करेक्ट इनमें से कौन सा है,
फर्स्ट ऑप्शन है इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस रिस्क टू जीरो। सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी इंस्पेक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क प्लेस। थर्ड ऑप्शन है व्हेन कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट यू डोंट नीड टू कंसीडर विजिटर्स। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी तीनों में से देखना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम कि इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस रिस्क टू, यानी यह पॉसिबल है क्या करने को, यानी रिस्क जो होती है उसको जीरो करने के लिए यह पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? रिस्क को जीरो कभी भी नहीं किया जा सकता, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उसकी सेफ्टी को पहचान के उसकी सेफ्टी कंट्रोल मेजर लगाए जा सकते हैं, लेकिन रिस्क जो है जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर भी वर्क होगा वहाँ पर डेफिनेटली बात है कि कुछ ना कुछ जो है रिस्क ज़रूर होगी। फॉर एन एग्जाम्पल आपको उदाहरण देना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल स्काफ होल्डिंग का उदाहरण देता हूँ आपको। स्काफ होल्डिंग कुछ ऐसे अड्डे बने होते हैं आपको पता है, तो इनमें कुछ ना कुछ रिस्क तो रहती है। इसे कंट्रोल मेजर तो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बंद कर दे, या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसे कुछ ना कुछ रिस्क जो है इस पर ज़रूर होगी। तो ये इस प्रकार के रिस्क इसमें उदाहरण दिया गया। साथ साथ में आपको जो निबोस SSW बुक है वो मैं देखता हूँ आपको रीड करवा देता हूँ साथ साथ में, और एक बुक भी है इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी इंस्पेक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क प्लेस। यानी सेफ्टी इंस्पेक्शन यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, हजार्ड को, किस पर, वर्क प्लेस पर, यानी काम के स्थान पर सेफ्टी इंस्पेक्शन यूज़ करते हैं एक हजार्ड को जो है वर्क प्लेस पर। बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है व्हेन कैरिंग, एक बार देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्हेन कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट यू डोंट नीड टू कंसीडर विजिटर्स। यानी थर्ड ऑप्शन व्हेन कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट यू डोंट नीड टू कंसीडर विजिटर्स, यानी जब भी रिस्क असेसमेंट उठानी हो तो आपको किसी विजिटर से जो है वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो जाहिर सी बात है इसी को मैच भी नहीं खाता राइट गलत रॉन्ग आंसर होगा। तो राइट आंसर जो है आपका होगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, सेफ्टी इंस्पेक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क प्लेस, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, इसे गलती से मिस्टेक हो गया, हालांकि क्वेश्चन अलग है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। फाइव जो है इसके अंदर साफ 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 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इस प्रकार से है कि इट इज रिक्वायरमेंट दैट ऑल यूजर ऑफ वर्क इक्विपमेंट विथ ए ट्रेनिंग विच शुड बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग। एंड इट इज रिक्वायरमेंट दैट ऑल यूजर ऑफ वर्क इक्विपमेंट विथ ए ट्रेनिंग विच शुड बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग। यानी वर्क इक्विपमेंट ट्रेनिंग के दौरान जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले क्या कवर करना जरूरी है, शुड दिया गया है इसके अंदर, बिल्कुल ज़रूरी है। तो कौन सा इसके अंदर आपका जो है राइट आंसर होगा, जैसा कि आप इट इज़ रिक्वायरमेंट दैट ऑल यूजर्स ऑफ वर्क इक्विपमेंट विथ ए ट्रेनिंग विच शुड बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग। यानी एक जो थर्मिक है उसको काम करने के दौरान किस उपकरण की के साथ ट्रेनिंग में सबसे पहले किस चीज़ को जो है कवर ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़, यानी सबसे पहले उसकी जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ है वो उसके पास होनी चाहिए। एक बता दूँ आपको, वेलफेयर फैसिलिटीज़ आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, और इस वीडियो के अंदर और बता दूँ आपको थोड़ा सा कि वेलफेयर जो फैसिलिटीज़ है उसके उदाहरण कई प्रकार से हैं। जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ मतलब कि आपको रेस्ट मिल गया काम के दौरान, ईटिंग एरिया और टॉयलेट, जितने भी आपको ज़रूरत जिस हिसाब से एक
वर्क प्लेस पर मिलनी चाहिए उस प्रकार से जो रेस्ट एरिया हिसाब से मिलनी चाहिए वो इस पर जिस प्रकार मिलते हैं उसे वेलफेयर फैसिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन हाउ टू कैरी आउट प्री यूज चेक्स, यानी सेकेंड ऑप्शन है इसका हाउ टू कैरी यूज प्री चेक्स। बिल्कुल एकदम सही बात है कि कैरी करना उसको जब भी ले जाने से पहले उसको पहले चेक चेक करना उसको कोई भी कमेंट है उसको पहले चेक करना ले जाने से पहले किसी वर्क प्लेस पर। थर्ड ऑप्शन है द मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री ऑफ द सप्लायर, द मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री ऑफ द सप्लायर, यानी कोई सप्लायर है उस इक्विपमेंट की हिस्ट्री है पहले से वह ब्रोकन है टूटा हुआ है तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है वेयर टू ऑब्टेन मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, यानी जो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको कहाँ पर नोट डाउन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4-5 का राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन हाउ टू कैरी आउट प्री यूज चेक्स। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क टू पेडेस्ट्रियन फ्रॉम व्हीकल ऑन साइट। तो विच इज नॉट कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क टू पेडेस्ट्रियन फ्रॉम व्हीकल्स ऑन द साइट। जाहिर सी बात है मैंने आपको कंट्रोल मेजर के बारे में बताया था कि कंट्रोल मेजर क्या होते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर के बारे में तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कंट्रोल मेजर क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो आपने देखे होंगे, अगर फर्स्ट बार कोर्स करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या होता है। तो लेकिन कंट्रोल मेजर का आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि कंट्रोल मेजर वही है कि किसी चीज़ के उपाय उसको उसे हजार ना हो कुछ उपाय उसके जो है उसके वह कंट्रोल मेजर कहलाते हैं हिंदी में बोले तो। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया कि विच इज़ नॉट ए कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क टू पेडेस्ट्रियन फ्रॉम व्हीकल ऑन साइट। विच इज़ नॉट कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द, यानी रिस्क को कम करने के लिए कौन से एक व्हीकल साइट पर जो है पेडेस्ट्रियन कुछ केबल्स पड़ी हुई हैं उनको वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट होने के दौरान कौन से जो कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियोबल एंड विजुअल वार्निंग ऑल व्हीकल्स। सेकंड ऑप्शन है बैरियर्स। थर्ड ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी बूट टू ऑल वर्कर्स। फोर्थ ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर ट्रेनिंग ऑन रोड सेफ्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ऑडियोबल एंड विजुअल वार्निंग ऑन व्हीकल्स, यानी एक ऑडियोबल जो ध्वनि है उसकी सावधानी या उसकी वार्निंग दी जानी चाहिए ऑल व्हीकल्स को, यानी जब भी वर्क प्लेस पर आए तो एक ऑडियोबल आप साउंड जो है वो क्रिएट कर लिए अपने वाहन के अंदर और वो जब भी वर्क प्लेस पर आए तो उसको साउंड करना है। सेकेंड ऑप्शन में है बैरियर्स, यानी बैरियर्स मतलब इस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है या फिर इस प्रकार से इसमें एक गड्ढा है और इसमें आपको यहाँ पर सेफ्टी लगानी ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्हीकल जो है आने के दौरान इस गड्ढे में गिरने का वह चांस नहीं रहे, इस प्रकार से जो है बैरियर्स लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल आप रोड पर देखते हो, रोड पर कभी भी पुल या मेट्रो का काम चल रहा है तो वहाँ पर जो है रोड के बीच बीच में गड्ढे के जो गड्ढा होता है बीच में उन गड्ढे के बाहर आउटसाइड के अंदर जो है बड़ी बड़ी प्लेट हैं वो लगी होती हैं ताकि उसमें कोई वाहन ना गिरे गलती से आकर, इसी प्रकार से वह बैरियर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी बूट ऑल वर्कर्स, यानी जितने भी वर्कर हैं उनको एक बेस्ट तरीके के बूट प्रोवाइड करे सभी वर्करों को श्रमिकों को। फोर्थ ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर ट्रेनिंग ऑन रोड सेफ्टी, यानी जितने भी प्रोविजन हैं उनको क्या देनी चाहिए, द प्रोविजन ऑफ वर्क ट्रेनिंग ऑन रोड सेफ्टी, यानी जितने भी वर्कर हैं श्रमिक हैं उनको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्या किसकी ट्रेनिंग, ऑन रोड सेफ्टी, यानी रोड सेफ्टी की उनको जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से वह अपनी सुरक्षा रख सकते हैं और दूसरों की सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फाइव का ऑप्शन थर्ड द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी बूट टू ऑल वर्कर्स जो इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज सुटेबल कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। विच इज सुटेबल कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कौन सा सुटेबल कंट्रोल मेजर है, यानी सूट करता है रिड्यूस रिस्क को, किसको, रिस्क को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, किसको कम करता है। विच इज सुटेबल कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड सर्वेलेंस। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड सर्वेलेंस। सेकंड ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी गूगल्स। थर्ड ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी डाटा सीट। फोर्थ ऑप्शन है द यूज ऑफ लो वोल्टेज टूल्स। यानी कौन से कंट्रोल मेजर है रिस्क को कम करने के लिए, कहाँ पर रिस्क, एक इलेक्ट्रिक शॉक से रिस्क को कम करने के लिए कौन सा कंट्रोल मेजर इनमें से, वो बताना है। तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट ऑप्शन बता दूं आपको हेल्थ एंड सर्वेलेंस यानी हेल्थ के बारे में सुरक्षा। सेकंड ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी गूगल्स, यानी एक प्रोविजन है सेफ्टी गूगल्स पहनना। सेफ्टी गूगल्स मतलब पीपी हो गया या फिर आपका गूगल्स हो गया, उस प्रकार से सेफ्टी के अंदर काम करने के दौरान जो भी पीपी पहनते हैं उन्हीं के बारे में। थर्ड ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी डाटा सीट, यानी डाटा सीट को कंपलसरी करने पर जो है क्या हो जाता है, रिस्क जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कम हो जाती है, तो बिल्कुल रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है द यूज ऑफ लो वोल्टेज टूल्स, यानी लो वोल्टेज जो है टूल्स का यूज करना, तब क्या, जब भी लो वोल्टेज टूल्स का हम यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है, इसके कंट्रोल मेजर हो सकता है कि रिड्यूस कर सकते हैं किसको, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले रिस्क को कम किया जा सकता है किसके के द्वारा, द यूज ऑफ लो वोल्टेज टूल्स इन दिस ऑप्शन। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, द यूज ऑफ लो वोल्टेज टूल्स। चलते हैं गाइज आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, यानी विच इज ए सोर्स ऑक्सीजन विच माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, यानी कौन सा, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सोर्स है ऑक्सीजन का स्रोत है जो वर्क प्लेस पर प्रेजेंट हो सकता है, यानी वर्क प्लेस पर प्रेजेंट मिल सकता है वर्क प्लेस के अंदर, तो इनमें से कौन सा है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, फर्स्ट ऑप्शन है पेपर। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलिंग मटेरियल्स। थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन गैस। फोर्थ ऑप्शन है एयर कंडीशन यूनिट फोर्थ ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर, तो विच इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, तो पेपर आपको पता है कि कोई भी सोर्स नहीं है ऑक्सीजन का, पेपर कोई ऐसे प्रकार से नहीं है, डस्ट है एक तरह का, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलिंग मटेरियल्स वहाँ पर कलेक्ट किया गया है, तो ये कोई ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, यानी जो ब्यूटेन गैस होती है उसके बारे में बताया गया है कि ये ऑक्सीजन का स्रोत है, तो ये भी जो है ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कंडीशन यूनिट, यानी एयर कंडीशन यूनिट, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एयर कंडीशन यूनिट जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी यह भी इन तीनों में, इन चारों में से ओनली क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 जो है एयर कंडीशन यूनिट ही ऑक्सीजन का स्रोत है जो एक वर्क प्लेस पर जो है मिल सकता है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज एन इग्निशन सोर्स विच मे बी प्रेजेंट इन ए वर्कशॉप, यानी विच इज एन इग्निशन सोर्स ऑफ विच मे बी प्रेजेंट इन द वर्कशॉप।
तो विच इज़ एन इग्निशन सोर्स विच में बी प्रेजेंट इन द वर्कशॉप इंग्लिश गाइज, ऐसी चीज़ है, दो तीन चार बार पढ़ो तभी आपको पता चलता है कि बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो इग्निशन सोर्स क्या है इसके अंदर जो एक वर्क जो है वर्कशॉप पर हमें मिल सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हॉट वर्क, सेकंड ऑप्शन है पेन, थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट मटेरियल्स। तो इन तीनों में से आप चारों में से आपको डिफरेंट क्या लग रहा है? चारों में से डिफरेंट जो जाहिर सी बात आपको पेन मतलब दर्द आपको, ये कोई ऐसी कोई इग्निशन सोर्स नहीं है जो वर्कशॉप पर है। थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट इग्निशन सोर्स का एग्जांपल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट मटेरियल्स, यानी वेस्ट मटेरियल्स भी इसका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल नहीं है। तो इग्निशन सोर्स जाहिर सी बात है जो हॉट वर्क होगा वही इसका राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हॉट वर्क। हॉट वर्क मतलब वेल्डिंग ग्राइंडिंग इस प्रकार से जो वर्क होते हैं वह हॉट वर्क के अंदर आते हैं, जिनसे एक आग लगने की संभावना रहती हो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉट वर्क। चलते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, विच इज नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरोसोन इन द वर्क प्लेस। तो विच इज़ नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर, यानी कौन सा कंट्रोल में सूटेबल कंट्रोल मेजर नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है ये, किसको प्रोटेस्ट, किसके खिलाफ जानबूझकर वर्क प्लेस पर प्रोटेस्ट या वर्क प्लेस पर प्रोटेक्ट करने को कौन सा नहीं है इसमें कंट्रोल मेजर वो बताना है, कौन सा नहीं है, है जका जो इनमें से है वो नहीं बताना है, जो नेगेटिव है वो बताना है। तो व्हाट इज़ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसके अंदर कि पोस्ट इनोइंग ऑफ रबिस बिन स्किप्स क्लोज टू द बिल्डिंग। सेकंड ऑप्शन है द यूज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ पर्सन एंटरिंग द बिल्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है द यूज ऑफ सीसीटीवी। फर्स्ट ऑप्शन में साफ साफ दिया गया कि पोजिशनिंग ऑफ रबिस बिन स्किप्स एंड क्लोज टू द बिल्डिंग, यानी जितने भी रबिस कचरा पट्टी है उनको बाहर निकाल के बिल्डिंग को क्लोज कर दिया जाए। तो एक वर्क प्लेस पर जानबूझकर को कंट्रोल मेजर हो सकता है किसके खिलाफ, जानबूझकर वर्क प्लेस पर काम करने के दौरान। सेकंड ऑप्शन है द यूज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, ये भी आपको पता है इसके अंदर मैच नहीं खाता, तो ये आपका जो है राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ पर्सन एंटरिंग द बिल्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है द यूज ऑफ सीसीटीवी। तो राइट आंसर आपका इस इनमें से क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का, पोजिशनिंग ऑफ रबिश बिन्स स्किप्स क्लोज टू द बिल्डिंग। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज ए नॉट ए सूटेबल कंट्रोल मेजर फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड इन द ओपन एयर, यानी विच इज ए नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर। फिर से क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कंट्रोल मेजर के बारे में पूछा है और वो भी क्या पूछा है, नेगेटिव के बारे में, कि विच इज ए नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड इन द ओपन एयर। तो कौन सा कंट्रोल मेजर इनमें से जो है इनमें से नहीं है, सूटेबल कंट्रोल मेजर नहीं है, किसको स्टोरेज, यानी जो फ्लेमेबल जो जलने वाली वस्तु है लिक्विड है उनको ओपन एयर में छोड़ देने से रखने के स्थान पर, स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड इन द ओपन एयर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टोरेज एरिया अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी स्टोरेज एरिया अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पर काम करने का स्टोरेज एरिया जो काम करने का स्थान है उससे दूर रखना। सेकंड ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्विशर्स लोकेटेड इनसाइड द वर्क प्लेस, यानी फायर एक्सटिंग करना किसी स्थान पर या इनसाइड वर्क प्लेस पर। थर्ड ऑप्शन है सिक्योर फेंसिंग एंड ए लॉक्ड ए गेट अराउंड द स्टोरेज एरिया, सिक्योर करना एक स्टोरेज एरिया को गेट क्लोज करने से पहले। फोर्थ ऑप्शन द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटेंस साइंस फॉर स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स, यानी साइन बोर्ड लगाना कि स्मोकिंग डोंट अलाउ हियर,
कि डोंट अलाउ स्मोकिंग, तो व्हाट इज़ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, फायर एक्सटिंग्विशर्स लोकेटेड इनसाइड द वर्क प्लेस। यही इसका जो फ्लेमेबल लिक्विड इन द, यानी फायर जो है एक्सटिंग, फायर जो जो आग बुझाने वाला सेंटर है फायर वर्क प्लेस पर आपको बताया मिलता है, और उसको एकदम सही स्थान पर लोकेटेड करके रखना, यानी जब भी उसकी जो इमरजेंसी या किसी भी हालत में उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो एकदम सही जो स्टोरेज की जगह रखेंगे वर्क प्लेस के स्थान पर, तो आसानी से वह मिल जाएगा। अब अगर फॉर एन एग्जाम्पल काम कहीं और चल रहा है और फायर एग्जीक्यूटर्स जो है वो और कहीं पर पड़ा हुआ है, तो एक्सीडेंट होने के जल्द जानस रहते हैं और इसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी प्रकार से जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर एन एग्जाम्पल गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है, साथ साथ में जो HSW निबोस की बुक है उसके बारे में हम साथ साथ रीड कर रहे हैं, तभी इसके अंदर आपको कुछ धीरे धीरे, जितने आप ज़्यादा डीपली पढ़ोगे हर क्वेश्चन को तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में आप काम करोगे तो यह चीज़ आपको काम आएगी और बार बार आपके आगे वर्क प्लेस के अंदर आपका नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच एरिया ऑफ द स्पाइन इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजरी फ्रॉम मैनुअल हैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कौन सा एरिया है, कौन सा एक एरिया है इनमें से जो मोस्टली स्पाइन इज अ मोस्ट लाइकली टू इंजरी, यानी अधिकतर जो है क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है किसके दौरान, क्या करने के दौरान, मैनुअल हैंडिंग जब भी करते हैं उसके से क्या हो जाता है, तो इंजरी हो जाता है उससे, कोई भी कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है, विच एरिया ऑफ द स्पाइन, कौन सी हड्डी है जो मोस्ट लाइकली टू बी इंजरी फ्रॉम मैनुअल हैंडिंग। आई होप अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला ऑप्शन है वो है द लोअर बैक, सेकेंड ऑप्शन है द मिडल ऑफ द नेक, थर्ड ऑप्शन है द नेक और फोर्थ ऑप्शन है द पेल्विक। तो द लोअर बैक पीठ का पिछला हिस्सा, सेकेंड ऑप्शन है द मिडल ऑफ द बैक यानी पीठ का जो बीच का हिस्सा अधिकतर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है द गर्दन पर प्रभाव पड़ता है, गर्दन इंजरी हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन है द पेल्विक हड्डी के दौरान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका द लोअर बैक, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बढ़ते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच इज ए नॉट मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी, विच इज ए नॉट मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी, तो इनमें से एक मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी जो है कौन सी है जो नहीं है। जाहिर सी बात है इसके अंदर नेगेटिव पूछा है कि विच इज ए नॉट मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी, कौन सी इनमें से मैनुअल हैंडिंग की जो एक्टिविटी है वो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग बॉक्सेज, सेकेंड ऑप्शन है पुशिंग ए ट्रॉली, थर्ड ऑप्शन है कैरिंग ए बॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेटिंग ए क्रेन। यानी मैनुअल हैंडिंग के दौरान कौन सी एक्टिविटी है जो इसके अंदर नहीं आती है। फर्स्ट ऑप्शन में साफ साफ दिया गया कि लिफ्टिंग एंड लोअरिंग बॉक्सेज यानी लिफ्ट द्वारा किसी बॉक्सेज को उठाना, ये मैनुअल हैंडिंग के दौरान नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ये मैनुअल हैंडिंग के अंदर आता है, पुशिंग ए ट्रॉली यानी ट्रॉली को वर्कलोड करके धक्का लगाना, तो वह भी जो है मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी है। और थर्ड ऑप्शन है कैरिंग ए बॉक्स यानी किसी बॉक्स को उठाना, यह भी मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी है। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑपरेटिंग ए क्रेन यानी क्रेन जो है वो एक मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी नहीं है। आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग क्रेन यानी आपको बताया जाहिर सी बात है समझदार हो, क्रेन जो है हर कोई आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता, जो भी उसका ऑपरेटर है, जो भी जिस भी वर्कर को जो पहले से ट्रेनिंग दी गई है अच्छी तरह से किसी वर्क प्लेस के दौरान काम करते हुए, तो वही व्यक्ति जो है ऑपरेट कर सकता है किसको, क्रेन को। तो ये जो है मैनुअल हैंडिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आता, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग ए क्रेन।
चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। तो विच इज नॉट पार्ट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट करने के दौरान कौन सा इनमें से ऐसा हिस्सा है जो मैनुअल हैंडलिंग का नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है टास्क, सेकंड है लोड, थर्ड है इमरजेंसीज और फोर्थ है द इंडिविजुअल। तो टास्क पता है आपको मैनुअल हैंडलिंग के अंदर आता है, टास्क लोड भी मैनुअल हैंडलिंग के अंदर आता है, टास्क किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, और फोर्थ है द इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। तो इसमें से डिफरेंट आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर? डिफरेंट आपको लग रहा है थर्ड ऑप्शन इमरजेंसीज। इमरजेंसी जो है मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आता रिस्क असेसमेंट करने के दौरान, और जो टास्क लोड द इंडिविजुअल ये सभी चारों जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये मैनुअल हैंडलिंग रिस्क के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे 14 क्वेश्चन पर, विच इज बेनिफिट ऑफ रेगुलर ब्रेक टू वर्कर्स हु कैरी आउट रिपेक्टिव मैनुअल हैंडलिंग, यानी विच इज ए बेनिफिट ऑफ रेगुलर ब्रेक टू वर्कर्स हु कैरी आउट रिपेक्टिव मैनुअल हैंडलिंग, यानी कौन सा बेनिफिट है रेगुलर ब्रेक देने से किसी वर्कर को, और कौन जो है मैनुअल हैंडलिंग को रिपेक्टिव करता है? तो इनमें से बताना हमें। फर्स्ट ऑप्शन है इट अलाउड द मसल्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम हैंडलिंग एक्टिविटी, यानी जो यह क्या करता है, यह अलाउ करता है मसल्स को, यानी मसल जो हमारी काम करने के दौरान मसल्स में क्या होता है पैन होने लगता है कभी कभी कंटिन्यू, अगर काम यानी काम करने के दौरान जब भी व्यक्ति एक वर्कर है वो काम करता है बार बार वही काम करता है और उसको रेस्ट नहीं मिलता, तो क्या होता है कि उसकी मसल्स जो है लोड का काम करता है तो मसल्स में पैन होने लगता है। और इसमें क्या दिया गया कि रेगुलर ब्रेक बीच बीच में श्रमिक वर्कर जो है रेगुलर ब्रेक देने दिए जाने चाहिए ताकि उसकी जो मसल्स है उसमें उसको रिकवर होने में जो है थोड़ा आराम मिल सके। सेकंड ऑप्शन है इट अलाउज द वर्कर टाइम टू कंसल्ट विथ दियर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, यानी यह अलाउ करता है किसको, वर्कर्स को समय के दौरान कंसल्ट करने के लिए सेफ्टी के साथ, तो यह भी इसका रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन है इट इंक्रूज वर्क टू सोशलाइज विथ ईच अदर, इससे इसका कोई मैच ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है इट गिव्स वर्कर द अपॉर्चुनिटी टू हैव ए ड्रिंक एंड ए शेक, यानी यह क्या करता है वर्कर को अवसर देता है क्या करने के लिए, हैव ए ड्रिंक एंड ए स्नैक, यानी ड्रिंक करने के लिए शेक करने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउड द मसल्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम हैंडलिंग एक्टिविटी, यानी बेनिफिट रेगुलर ब्रेक अगर वर्कर्स को जो है बेनिफिट रेगुलर काम के दौरान जो है बेनिफिट पूछा है इसके अंदर रेगुलर ब्रेक देने से क्या होगा, एक इनमें से कौन सा है मैनुअल हैंडलिंग के अंदर, तो इट अलाउड द मसल्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, यानी इसकी जो बार बार काम करेगा तो उसकी मसल्स में पेन होगा, जाहिर सी बात है आप अगर काम करते हो किसी जगह पर तो बार बार वही काम करते हो ताकि मसल्स में पेन होने लगता है, अगर आपको बीच में ब्रेक दे दिया जाए तो आपको क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं वो रिकवर हो जाती हैं, पेन से थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच इज ए करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है? तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन है इंगेस्टेशन ऑफ द हजार्ड्स सब्सटेंस इज थ्रू द नोज, सेकंड ऑप्शन है द इनहेलेशन ऑफ हजार्ड्स सब्सटेंस ए थ्रू द स्किन, थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ए हजार्ड्स एज सब्सटेंस इज थ्रू आउट मी स्किन, फोर्थ ऑप्शन है ए हजार्ड सब्सटेंस कैन नॉट इंटर द बॉडी,
थक द माउथ. तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी, व्हाट इज द राइट आंसर टेल मी. तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है इंगेस्टेशन ऑफ हजार्ड्स सब्सटेंस इज थ्रू द नोज. तो यानी नोज के द्वारा कोई भी रोल्स है वो एंट्री करना हजार सब्सटेंस के दौरान बॉडी के अंदर. तो इन्वेस्टिगेशन थ्रू द स्किन, तो इन्वेस्टिगेशन जो है कभी प्रवेश नहीं करता नोज के साथ. तो ये तो आपका आंसर जो है, सॉरी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन है इनहेलेशन ऑफ ए हजार्ड्स सब्सटेंस इज थ्रू द स्किन. यानी इन्हेलेशन क्या करता है, ये इन्हेलेशन नहीं होगा इसके अंदर, ये भी रॉन्ग आंसर होगा. यहाँ पर आएगा ऑब्जर्वेशन, यानी स्किन क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है किसी जो बॉडी का पार्ट है स्किन, वो क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है हजार सब्सटेंस को, हजार सब्सटेंस थ्रू द स्किन के दौरान. तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ ए हजार सब्सटेंस इज थ्रू आउट द स्किन. तो ये कुछ कुछ लग रहा है. फोर्थ ऑप्शन है ए हजार्ड सब्सटेंस कैन नॉट इंटर बॉडी थक द माउथ. तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ ए हजार्ड्स यूज सब्सटेंस इज थ्रू आउट द स्किन. अब थोड़ा सा मैं आपको इसका विस्तार रूप से बता देता हूँ थोड़ा. फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं इनहेलेशन, माने ये क्या चीज़ है कि रोल्स ऑफ एंट्री ऑफ हजार्ड्स सब्सटेंस इनटू द बॉडी. तो इनहेलेशन का प्रवेश किसके द्वारा होता है, नोज के द्वारा होता है, ठीक है. और ये आप अपने बुक के अंदर नोट कर सकते हो, एक होता है इनगेस्टिनेशन, इसका प्रवेश किसके द्वारा होता है, माउथ के द्वारा. और एक होता है ऑब्जर्वेशन, जिसका हमने डिस्कस किया था. ऑब्जर्वेशन मतलब किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, स्किन के द्वारा. और एक होता है आपका पेंटिनेरेशन, जो किसके द्वारा होता है, डीप स्किन के दौरान. एक होता है इंजेक्शन किसके द्वारा प्रवेश करता है, वेन्स. इंटरमेनल इंजेक्शन जो है, एक तो मसल्स के द्वारा प्रवेश करता है हमारे बॉडी के अंदर, एक वेन्स के अंदर प्रवेश करता है. तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल, आई होप यू अंडरस्टैंड. बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16. विच इज़ ए नॉट सुटेबल कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट वर्क अगेंस्ट हजार्ड सब्सटेंस. तो व्हाट इज द राइट आंसर इसका. तो कौन सा इसमें सुटेबल कंट्रोल मेजर नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर के अगेंस्ट हजार सब्सटेंस के अंदर. सब्सटेंस मतलब होता है जहरीले पदार्थ. क्या होता है, जहरीले पदार्थ. फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए लोकल एग्जिकस्ट वेंटिलेशन सिस्टम. सेकंड ऑप्शन है इनक्लोज ऑफ द हजार्ड्स सब्सटेंस. थर्ड ऑप्शन है पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग. फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूशन ऑफ वर्कर्स एक्सपोजर टाइम टू द हजार सब्सटेंस. तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि ए लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो है सुटेबल कंट्रोल मेजर प्रोटेक्ट है या नहीं, तो ये नहीं है. सेकंड ऑप्शन है इनक्लोज ऑफ द हजार सब्सटेंस, यानी जहरीले पदार्थ को इनक्लोज करना, क्लोज करना, तो ये भी जो है कंट्रोल मेजर वर्कर्स के अंदर दौरान जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन है पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग, यानी पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग करते रहना जो है इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग. फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूशन ऑफ वर्कर्स एक्सपोजर टाइम टू हजार सब्सटेंस, यानी रिड्यूशन करते रहना काम के दौरान वर्कर्स के द्वारा एक्सपोजर करना टाइम टू टाइम हजार सब्सटेंस जहरीले पदार्थ को ख़त्म करने के लिए, तो ये भी गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग. बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 17 है
क्वेश्चन नंबर 17 है, फोर हजार्ड्स सबस्टेंस ए मैन्युफैक्चरिंग ए सेफ्टी डाटा सीट कॉन्टेंट्स, यानी हजार्ड जहरीले पदार्थ को जहरीले पदार्थों के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी डाटा सीट है जो कॉन्टेंट्स कंक्लूजन उसका निकालना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है डिटेल ऑफ द रेंज ऑफ द हजार्ड्स सबस्टेंस मैन्युफैक्चरर्स, सेकेंड ऑप्शन है डिटेल ऑफ द हजार्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पेसिफाइड सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन है ए रिस्क असिसमेंट दैट मे बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर हु इज यूजिंग द सब्सटेंस, फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन ऑन द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स रेंज ऑफ यूजेज। तो व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17, हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटेल ऑफ द रेंज ऑफ हजार्ड सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिटेल निकालना किसकी जहरीले पदार्थों की रिस्क के तहत, और सेकंड ऑप्शन है डिटेल ऑफ द हजार्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पेसिफाइड सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन है ए रिस्क असिसमेंट दैट मे बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर हु इज यूजिंग द सब्सटेंस, यानी एक रिस्क असिसमेंट कौन सी हो सकती है इनके यूज की जाने वाली एम्प्लॉयर के द्वारा जिसके द्वारा एक जहरीले पदार्थ हम यूज किया जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन ऑन द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स रेंज ऑफ यूजेज, यानी इन्फॉर्मेशन कौन सा टेक्निकल परफॉर्मेंस है जहरीले पदार्थों को जो रेंज के अंदर दौरान यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल ऑफ द हजार्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पेसिफाइड सब्सटेंस, यानी डिटेल निकालना हजार्ड्स प्रॉपर्टीज की स्पेसिफाई करना उनको, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज इन द वर्कशॉप, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है वेलफेयर फैसिलिटीज का, वो इसके अंदर फोर चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग तो पता आपको कि ये तो पहले सबसे पहले दी जाती है, ये कोई वेलफेयर फैसिलिटीज़ के अंदर नहीं आती, इसको देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कंपनी की जो भी सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी सुपरवाइजर उनके द्वारा, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रिस्क असिसमेंट, यानी रिस्क असिसमेंट करना ये इससे कोई मैच नहीं खाता, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपी के बारे में बात कर रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये भी कोई जाहिर सी बात नहीं है, इसको जो एक वर्कर्स है उसकी सेफ्टी के लिए दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वर्किंग पर ये जो है वर्क पीपी जो है उपलब्ध करवाना चाहिए, पीपी एक फर्स्ट थिंग है सेफ्टी के अंदर, सॉरी वर्क प्लेस के अंदर वर्कर को। फोर्थ है रेस्ट एंड ईटिंग एरिया, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट एंड ईटिंग एरिया, यानी रेस्ट देना काम के दौरान और खाने के लिए कुछ देना, एज यू कैन सी नॉट ड्रिंक नॉट टेक लिकर बट वी हैव टू गिव रेगुलर ब्रेक एंड रेस्ट एंड खाने के लिए हम सम फूड्स वी हैव टू प्रोवाइड देम, तो ये जो है वेलफेयर फैसिलिटीज़ का वर्कशॉप के अंदर एक एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज सोटेबल कंट्रोल मेजर दैट मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस वायलेंस फॉर ए वर्कर एट पेट्रोल एट नाइट, तो कौन सा सुटेबल कंट्रोल मेजर नहीं है जो यूज कर सकता है एक वर्कप्लेस पर वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए, वर्कप्लेस पर वायलेंस को वर्कर के द्वारा पेट्रोल एट नाइट, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयर ओनली फीमेल, ये तो इसके साथ कोई मैच नहीं खाता। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड रेगुलर ब्रेक, ये भी इसमें कोई मतलब नहीं है इससे, यानी प्रोवाइड करना रेगुलर ब्रेक्स। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल राइट आंसर है इसका कि एक वायलेंस को पेट्रोल पंप पर रात के वक्त जो है सर्मी के दौरान कोई घटना न हो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, तो क्या करना इम्प्रूव करना, किसको करना सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना,
ताकि कोई भी वायलेंस जो है एट ए वर्क फॉर ए वर्कर पेट्रोल एट नाइट ना हो। तो फोर्थ ऑप्शन प्रोवाइड रेगुलर वर्किंग कंडीशन, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 ने एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेंजरस ऑक्यूरेंस एट वर्क इज, यानी इनमें से कौन सा डेंजरस ऑक्यूरेंस का एक वर्क पर काम पर जो है एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है एक कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, सेकंड ऑप्शन है एन आउटब्रेक ऑफ लेजिनियर्स डिजीज, थर्ड ऑप्शन है ए वर्कर सफरिंग बैक पेन, फोर्थ ऑप्शन है ए वर्कर विथ ए फ्रैक्चर टॉय। फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि कहता है कि एक कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग बिल्कुल एक डेंजरस ऑक्यूरेंस है वर्क के दौरान। आपको बताया कि इस प्रकार से मैंने आपको बताया था स्कैफोल्डिंग लगे होते हैं, ये क्या है, ये डेंजरस ऑक्यूरेंस है एक काम की साइड पर। सेकेंड ऑप्शन आपका पता है कि क्या है, सेकेंड ऑप्शन है एन आउटब्रेक ऑफ लेजिनियर्स ए डिजीज, यानी आउटब्रेक देना लेजिनियर बीमारी के दौरान। थर्ड ऑप्शन है ए वर्कर सफरिंग बैक पेन, यानी ये कोई वर्कर है वह बीमार है और उसकी बैक पेन में पेन है, बैक पेन में पेन है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड भी रॉन्ग, सेकेंड थर्ड दोनों रॉन्ग है। फोर्थ है ए वर्कर विथ ए फ्रैक्चर टॉय, यानी वर्कर का क्या हो जाता है जो पैर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर्ड हो जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। ये इंजरी है एक तरह की, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का ए कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, यही इसका राइट आंसर होगा। ये डेंजरस ऑक्यूरेंस के अंदर आता है वर्क पर। तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा एक सेंटेंस है जो इसका इनमें से सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए डायरेक्टर डज हैव नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, यानी डायरेक्टर है उसको इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसके द्वारा इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है द मैनेजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स, यानी मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स के, हेल्थ एंड सेफ्टी जो वर्कर्स हैं उनके लिए, तो ये भी जो है आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन है द सेफ्टी एडवाइजर प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी द सेफ्टी एडवाइजर क्या करता है, सेफ्टी एडवाइजर प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेफ्टी एडवाइजर जो है प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सपोर्ट, एडवाइज प्रोवाइड करता है किसके द्वारा, हेल्थ एंड सेफ्टी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, द सेफ्टी एडवाइजर प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी एक वर्कर है जो काम के दौरान एक एम्प्लॉयड है उसकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेफ्टी, वह क्या करता है अपनी, हालांकि अपनी सेफ्टी तो ही है लेकिन इसमें दिया गया इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी इसकी इसमें दिया गया कि कोई भी पर्सन है एम्प्लॉयड है वो क्या करता है उसकी ओनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह खुद की सेफ्टी रखे, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है एक सेफ्टी जो वर्कर्स है उसको काम के दौरान खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है और उसके द्वारा काम करने के दौरान दूसरे व्यक्ति को इंजरी ना पहुँचे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे भी कोई भाई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई एलटी का काम कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे आसपास कोई व्यक्ति टच ना हो, कोई व्यक्ति साइड में आता राउंडिंग ना कर रहा हो, तो खुद की सेफ्टी जरूरी है, उसके द्वारा काम करने के दौरान किसी और को नुकसान न पहुंचे वह भी ज़रूरी है। तो यह भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ओनली इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का
थर्ड ऑप्शन, द सेफ्टी एडवाइजर प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। गला बैठ रहा आज तो। क्वेश्चन नंबर 22, विच वुड बी इन ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, यानी विच वुड बी इन ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ एंड सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है लीगल डिस्क्लेमर, फोर्थ ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर्स डाटा शीट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में जाहिर सी बात है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अरेंजमेंट करना, उसको एडजस्ट करना। तो इसको एक कुछ लगता है ये आंसर। सेकंड ऑप्शन है हेल्थ एंड सर्वेलेंस रिकॉर्ड रखना, ये भी गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन है लीगल डिस्क्लेमर, लीगल का कोई मतलब नहीं इसमें, रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग डाटा शीट, यानी मैन्युफैक्चर करना डाटा शीट को, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के तहत रेगुलर अपडेट करना उसको, हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, यानी विच एन इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स होता है सूचक, क्या होता है सूचक, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी को परफॉर्मेंस शो करता है सेफ्टी के दौरान? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए नेगेटिव रिपोर्ट फ्रॉम मैनेजर, तो ये कुछ कुछ लग रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं लो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, गलत। थर्ड ऑप्शन है लो लेवल ऑफ सिकनेस एब्सेंस, फोर्थ है सेफ बिहेवियर फ्रॉम वर्कर्स। लो एक्सीडेंट रेट मतलब एक्सीडेंट की रेट एकदम कम होना, एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम चांस के अंदर एक्सीडेंट हुए हैं। थर्ड ऑप्शन है लो लेवल ऑफ सिकनेस, यानी बीमारी के केसेस कम हैं। फोर्थ ऑप्शन है सेफ, यानी भी सेफ, एक अच्छी तरह से सावधानी से और एक कंसल, एक मेंटेनेंस की तरह और एक सेफ बिहेवियर रखना वर्कर्स के द्वारा, श्रमिक के द्वारा। तो इंडिकेटर पूछा है इसमें पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजर, यानी मैनेजर के द्वारा जो है क्या मिलना, नेगेटिव रिपोर्ट मिलना, यह क्या है, एक तरह का पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी का परफॉर्मेंस है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजर। बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाई आर द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटेड, तो जाहिर सी बात है व्हाई आर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटेड, यानी एक्सीडेंट हो जाता है किसी साइड पर, उसको इन्वेस्टिगेटेड क्यों किया जाता है, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेट क्यों किया जाता है, फिर से कोई एक्सीडेंट ना हो, उसका रीजन पता चल सके, उसमें कुछ सुधार किया जा सके, ताकि कोई एक्सीडेंट कम से कम हो तो, और कुछ कंट्रोल मेजर उसके द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि करके, फर्स्ट ऑप्शन है टू इंस्पेक्ट द स्किन टू डिटरमाइन ब्लेम, तो ये तो इसके साथ मैच भी नहीं खाता, साफ साफ दिया गया इसके अंदर टू इंस्पेक्ट द स्किन टू डिटरमाइन ए ब्लेम। इंस्पेक्ट स्किन के दौरान जो सीन भी है इसके अंदर, उसमें ब्लेम लगाना, ऊपर क्रम सिक्वेंस वाइज जो पोस्ट होती है हर एक जॉब की, उसके ऊपर जो ऊपर नीचे जो है ब्लेम लगाना आपस में, तो ये तो इसका राइट आंसर जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड है टू इस्टिब्लिश गुलिट एंड हेल्प टू अलाकोट ब्लेम, तो ये भी रॉन्ग आंसर है इसका। थर्ड ऑप्शन टू फाइंड द कॉजेस एंड प्रिवेंट टू रिकरेंस, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3। इसमें दिया गया टू फाइंड द कॉजेस एंड प्रिवेंट रीओकरेंस,
यानी फाइंड करना किसको, कॉजेस मतलब वजह से, किस वजह से फाइंड एक किस वजह से जो है रीओकरेंस हुआ है, कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हुआ है वो फाइंड करना सबसे पहले। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है टू फाइंड द इमीडिएट कॉजेस ओनली, यानी एक इमीडिएट कॉजेस को ही जो है फाइंड करना ओनली, तो ये भी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टू फाइंड कॉजेस एंड प्रिवेंट्स रीओकरेंस। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 पर है विच इज ए रीजन वाई रिस्क असेसमेंट आर कंडक्ट इन द वर्क प्लेस। विच इज ए रीजन वाई रिस्क असेसमेंट आर कंडक्ट इन द वर्क प्लेस, कौन सा ऐसा रीजन है जो वर्क वाई रिस्क असेसमेंट आर कंडक्ट इन द वर्क प्लेस। विच इज ए रीजन, कौन सा ऐसा कारण है कि रिस्क असेसमेंट को क्यों कंडक्ट किया जाता है किसी वर्क प्लेस पर, काम के स्थान पर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दे अलाउ द मैनेजर टू कंसल्ट विद द वर्क फोर्स। सेकेंड ऑप्शन है दे अलाउ द सुपरवाइजर टू मीट द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड ऑप्शन है दे हेल्प अवॉइड कन्फ्लिक्ट ओवर वर्क प्रैक्टिस। फोर्थ ऑप्शन है दे हेल्प आइडेंटिफाई इफ एन एम्प्लॉयर इज डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट द वर्क फोर्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा लगभग 5 मिनट का, उसके बाद कल क्लास जो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप ये कि वीडियो देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी नेबोस HSW के बारे में। डूइंग वेरी वेल नाउ दिस सीजन COVID-19 यू नो वेरी वेल, सो प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। एज यू नो टुडे इन दिस वीडियो आई विल गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट HSW कोर्स, नेबोस HSW कोर्स। So because recently I given this exam in March 2021, so let's start this video. Complete pause video. So guys, first of all, I will show my result HSW Nimbus. You can see this result. This is my result. You can see HSW1, HSW2, Workplace Safety Inspection, Risk Assessment Activity, Marks 18, 72, Status Pass. Recently, result declared by Nibos, so I'm showing you. So let's get on the point. My dear friends, now if you are making a plan for HSW course, the next exam conduct will June 2021. And in this paper, you have to solve 40 question. How much? Listen carefully, 40 question. You have to solve. There are no negative markings. Okay. Don't worry. You have to face objective question in this paper, and you can easily solve. Paper will be conducted. Nibos, you know very well. 100 marks. 100 marks your paper. So I think you have to give 15 days for this exam, minimum 50 days. If you only pass in this examination, so don't worry, I will make 3 videos for you, and I will discuss nearly 2000 only 200 question. You have to learn. Whenever you learn 200 question, so after that you can say I can pass. Second paper is risk assessment. Second paper is your risk assessment. Your learner provide some notes. Or now I'm telling you, it HSW course fees is 25,000 or 20,000 you have to pay. And my recommendation for you, ki first priority Nimbus HSW course, after that you can IOS, or you have to must IGC. Recently I given exam IGC with HSW. So guys, I hope you understand, there are 40 question, you have to face objective paper, and there are no negative markings, and you have to pay fees 20,000 or 25,000 nearly, or you have to go to, you cannot give exam
at your home, you have to go Hyderabad, etc. Or there are good profession, and your next examination, you know very well, June 2021. And now you are, if you are making plan, so first priority you can HSW, you can do HSW course. After that, my recommendation, you can please, you will do job for a better future in the safety. So guys, this is information for me, from me. For more information, subscribe this YouTube channel, and don't forget press the bell icon. So I will discuss more information about HSW and IGC exam, and also I'm passed with good marks recently you've seen. So thank you for watching this video, and this video my first video in English. So now I'm growing my English, because English is must in this HSW IGC. You know very well, English is very important. So guys, I hope you will like this video. Okay guys, take care, love you all. I will discuss more information in next video. So thank you for watching this video. Take care. तो गाइस, ये जैसे कि आपने HSW हम बढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 25 पर, अभी आपने देखा HSW निबोस के बारे में कुछ जानकारी इंग्लिश के अंदर, और इनमें से अभी मैं क्वेश्चन जो रीड कर रहा हूँ उनमें से इन केस मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, कंटिन्यू करते हैं। विच इज़ ए रीज़न वाई रिस्क असेसमेंट आर कंडक्ट इन द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट कंडक्ट क्यों जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दे अलाउ द मैनेजर टू कंसल्ट विद द वर्क फोर्स। सेकेंड ऑप्शन है दे अलाउ द सुपरवाइजर टू मीट द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड ऑप्शन है दे हेल्प अवॉइड कन्फ्लिक्ट ओवर वर्क प्रैक्टिस। फोर्थ ऑप्शन है दे हेल्प आइडेंटिफाई इफ एन एम्प्लॉयर इज डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट द वर्क फोर्स। तो वट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं दे अलाउ द सुपरवाइजर टू मीट द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, यानी अलाउ करते हैं सुपरवाइजर को सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है दे हेल्प अवॉइड, यानी हेल्प को अवॉइड करते हैं ओवर वर्क प्रैक्टिसेस के लिए। फोर्थ ऑप्शन है दे हेल्प आइडेंटिफाई इफ एन एम्प्लॉयर इज डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट द वर्क फोर्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि दे हेल्प आइडेंटिफाई, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करता है इफ एन एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है प्रोटेक्ट वर्क प्लेस पर जो है काम के दौरान सुरक्षित अपने आप को नहीं रख पाता, उसको आइडेंटिफाई करता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 नेगेटिव क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए हजार्ड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो यह बताता है कि हजार्ड्स नहीं है। तो विच इज़ नॉट हजार्ड्स, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड ऑप्शन है कार्पेल ट्यूनल सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन है वर्किंग एट हाइट, फोर्थ ऑप्शन है वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रिसिटी पता आपको एक हजार्ड्स का कारण बन सकता है, तो ये जो है हजार्ड्स है नहीं के अंदर नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है कार्पेल टनल सिंड्रोम, तो ये जो है कुछ कुछ लग रहा है मुझे। थर्ड ऑप्शन है वर्किंग एट हाइट, ये आपको पता है एक हजार्ड्स है, क्योंकि वर्किंग जो हाइट पर काम करना है आपको पता है कि हजार्ड्स का एक कारण है, तो ये भी जो इसका राइट आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट। तो ये हजार्ड्स का कारण है, तो राइट आंसर होगा आपका इसका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, ये हजार्ड्स नहीं है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस प्रकार से है, कि विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ए रिस्क असेसमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर इज एन एक्सीडेंट डेंजरस ऑकरेंस इन द वर्क प्लेस। ए रिस्क असेसमेंट
is carefully examination of anything in the workplace that could causes people to suffer injury or harm. Third option है, a risk assessment is best undertaken by a person without direct experience of work area. Fourth option है, significant finding of the risk assessment do not need to be recorded. So what is the right answer? Question number 27 here is, tell me. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि ए रिस्क असेसमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर इज एन एक्सीडेंट डेंजरस ऑक्यूरेशन इन द वर्क प्लेस. काम के काम पर जो है ए रिस्क असेसमेंट इज ओनली ऐसा एक ऐसी ऐसा वर्क है जो एक्सीडेंट डेंजरस को जो क्या करता है रिक्वायर्ड करता है. तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका. सेकेंड ऑप्शन है, ए रिस्क असेसमेंट is carefully examination of anything in the workplace that could causes people to suffer injury to harm. यानी risk assessment ऐसा carefully examination है जो क्या करता है anything किसी भी काम पर जो है लोगों के कारण लोगों के injury या harm के को कारण का पता करने में कारण पता करने का एक उदाहरण है या examination है carefully. तो ये इसका जो है right answer होगा question number 27 का. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए रिस्क असेसमेंट इज बेस्ट अंडरटेकन बाय ए पर्सन विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ए वर्क एरिया. यानी ए रिस्क असेसमेंट ऐसे बेस्ट अंडरटेकन है जो विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस के दौरान जो है वर्क एरिया के में ए पर्सन के द्वारा किया जाता है. तो ये रॉन्ग आंसर है. फोर्थ ऑप्शन है, ए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द रिस्क असेसमेंट डू नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड. इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. तो ये भी रॉन्ग आंसर है. तो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड. ए रिस्क असेसमेंट इज केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन द वर्कप्लेस दैट कुड कॉजेस पीपल टू सफर इंजरी टू हार्म. बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच शेप एंड कलर ऑफ साइन वुड शो दैट स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड. एक क्वेश्चन इन साइनो बोर्डों में से आपको HSW निवोस के अंदर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से जो है मिलने वाला है. इसमें कोई दोराई नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है, यानी इसमें शेप कलर का शेप पूछा है साइन स्मोकिंग का. यानी स्मोकिंग का ऐसा कौन सा साइन बोर्ड है जो स्मोकिंग करने के लिए परमिट नहीं देता, आज्ञा नहीं देता है. फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू व्हाइट एंड राउंड. सेकंड ऑप्शन है ब्लैक येलो एंड ट्रिंगलर. थर्ड ऑप्शन है रेड व्हाइट एंड राउंड. फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन व्हाइट एंड रेक्टेंगुलर. ब्लू व्हाइट एंड राउंड पीला सफेद राउंड के दौरान. ब्लैक येलो एंड रेक्टेंगुलर. थर्ड ऑप्शन है रेड व्हाइट एंड राउंड. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर. जो एक स्मोकिंग का साइन है जो स्मोकिंग करने के लिए परमिट नहीं देता है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेड व्हाइट एंड राउंड. इसका राइट आंसर होगा किसके लिए है? आगे नहीं देता स्मोकिंग के लिए. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच इज ए करेक्ट. इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सही है. फर्स्ट ऑप्शन है वर्क इक्विपमेंट डज नॉट इंक्लूड लिफ्टिंग इक्विपमेंट. काम करने वाले उपकरणों में से इंक्लूड नहीं है लिफ्टिंग इक्विपमेंट के दौरान. तो ये तो सरासर गलत है. सेकंड ऑप्शन है फोटोकॉपीज आर क्लास्ड एज वर्क इक्विपमेंट. थर्ड ऑप्शन है ए स्ट्रक्चरल आइटम सच एज वेल इज क्लोज्ड एज वर्क इक्विपमेंट फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्कर. यानी एक स्ट्रक्चरल आइटम है जो सच एज ए वेल एकदम अच्छा है उसको क्लोज किया जा चुका है किसी काम के दौरान किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के द्वारा. तो ये रॉन्ग आंसर है. फोर्थ ऑप्शन है ए वर्कर कार यूज फॉर कम्युनिकेटिंग टू वर्क ए क्लास्ड एज वर्क इक्विपमेंट. ये भी सरासर रॉन्ग आंसर है. तो राइट आंसर जो है इसमें से आपको डिफरेंट क्या लग रहा है? इन ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो कन्फ्यूजन करने वाले आते हैं काफ़ी अधिकतर.
आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ए और सी और डी सेम से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो आपको इनमें से डिफरेंट लगेगा कि फोटोकॉपीज आर क्लास्ड एज वर्क इक्विपमेंट, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, फिर से वही ऑप्शन नंबर ए है, ए मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएटेड विथ यूजिंग ए ग्राइंडिंग व्हील ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड ऑप्शन है, ए शेयरिंग हजार्ड इज व्हेन टू और मोर मशीन पार्ट्स मूव टुवार्ड्स और पास्ट ईच अदर एंड ए ट्रिप इज क्रिएटेड। थर्ड ऑप्शन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रशिंग हजार्ड इज ए ड्रिल बिट पेंट्रिंटिंग द यूजर हैंड। फोर्थ ऑप्शन है, वाइब्रेशन इज ए मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएटेड विथ यूजिंग ए गुल्यूटिन। तो वट इज द राइट आंसर, हियर इज ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएट, मैकेनिकल हजार्ड के संबंध में यूज किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का काम हो। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए शेयरिंग हजार्ड व्हेन टू और मोर मशीन पार्ट्स मूव टुवार्ड्स और पास्ट ईच अदर एंड ट्रिप इन क्रिएटेड, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए थर्ड ऑप्शन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रशिंग हजार्ड इज ए ड्रिल बिट पेंट्रिंटिंग द यूजर हैंड, कोई मतलब ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, वाइब्रेशन इज ए मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएटेड विथ यूजिंग ए गुलेटिन, तो भी इसका रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए शेयरिंग हजार्ड इज वेन टू और मोर एक से अधिक मशीन पार्ट्स को जो मूव करना टू वर्ड्स और पास्ट इज अदर एनी ट्रेप इज क्रिएटेड। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए रिस्क एसोसिएट विद इलेक्ट्रिसिटी। विच इज ए रिस्क एसोसिएट विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या खतरा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है करेक्शन, सेकेंड है एंटरटेनमेंट, थर्ड है फायर, फोर्थ है हेयरिंग लॉस। करेक्शन आपको पता हो नहीं सकता, फंसना कोई चीज़ का कारण नहीं हो सकता, और फायर जो है कुछ कुछ लग रहा है इसके अंदर, जाहिर सी बात है फायर इसका राइट आंसर होगा क्योंकि रिस्क एसोसिएट विद इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, हेयरिंग लॉस नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा सी, फायर। लेट्स गो इन 32 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन इज हियर, विच इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, यानी कौन सा ऐसा सोर्स है ऑक्सीजन का जो होना चाहिए वर्क प्लेस पर, काम की वर्क प्लेस पर होना चाहिए नहीं, विच इज सोर्स होता है वर्क प्लेस पर काम के दौरान। फर्स्ट ऑप्शन है एलपीजी गैस, सेकेंड ऑप्शन है पेंट्स, थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट्स और फोर्थ ऑप्शन है आपका वेंटिलेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर, हियर इज ऑप्शन। तो एलपीजी बॉटल्स आपको पता है कोई भी ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो नहीं है एलपीजी गैस। पेंट्स आपको पता है कोई मटेरियल्स के अंदर आ जाता है, ये भी कोई नहीं है, ये ऑक्सीजन का कुछ प्रेजेंट ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है। सॉल्वेंट्स भी नहीं है। राइट आंसर होगा आपका वेंटिलेशन सिस्टम। ये क्या है, ये जो है एक ऑक्सीजन का स्रोत है वर्क प्लेस पर काम के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट आंसर होगा वो होगा वेंटिलेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 32 जो था उसमें आपको पॉजिटिव के बारे में पूछा था, इसमें पूछा है नेगेटिव के बारे में। खास तौर पर आपको ध्यान रखना है नेगेटिव के बारे में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि HSW जो है एक मामूली चीज़ नहीं है, अगर आप करते हो तब, नहीं करते तब तो मामूली चीज़ है सभी के लिए। इसमें आपको पता है आपकी फ़ीस कितनी लगती है, 25,000 रुपये फ़ीस लगती है आपकी, 25,000 आपको पे करने पड़ते हैं, और इसके बाद अगर आप एक अच्छे से तैयारी नहीं करो तो आपके 25,000 जो हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, 25,000 आपके ऐसे चले जाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं और आपका भी जो है मोटिव वो टूट जाता है। इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ ले तो एग्ज़ाम निकल जाएगा।
ये वीडियो लॉन्ग है, कुछ नहीं है, आप मान के चल सकते हो कि मेरा जो एग्ज़ाम था ना, सिर्फ 3-4 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरा भी अभी एग्ज़ाम है HSW का, क्योंकि टीचर ने पहले बताया नहीं था, मैं IGCE जो कर रहा था, तो फिर टीचर ने मुझे 4 दिन पहले बताया था। एक्चुअल क्या हुआ कि 4 दिन पहले बताया था और मेरे पर काफ़ी प्रेशर पड़ा, ताकि मैं फिर टीचर ने मुझे बताया कि ये तुम्हें कुछ क्वेश्चन है, लगभग 400 करीब क्वेश्चन है, हालांकि उनमें कुछ क्वेश्चन सेम थे, तो मैंने उन सभी को सर ने बताया कि तुम्हें याद करने हैं, तो मैं उनको साथ साथ नोट करता गया और साथ साथ याद करता गया, क्योंकि मेरी इसके अंदर मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मुझे स्केर्ड लग रहा था। फिर मैंने सोचा 25,000 भी दे दिए हैं, और भी अगर फेल हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, 25,000 जो पे किए हैं इंस्टीट्यूट के अंदर वो हमारे ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। अर्न सो टाइम इज मनी गाइज, सो प्लीज़ कीप दिस, कीप हियर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीट। ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा या 2 या 4 घंटे का झमेला है, बाद में एग्ज़ाम देकर आओगे तब आपको इसकी जो अहमियत है वो पता चलेगी, अगर आप इस फील्ड के अंदर घुस गए हो तो, अदरवाइज तो क्या कहना। तो गाइस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। विच इज ए नॉट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, ये पूछा है, इसके अंदर नेगेटिव पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए कंप्रेस्ड एयर टाइम, सेकंड ऑप्शन है हॉट वर्क, थर्ड ऑप्शन है वेंटिलेशन सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्साइडिंग एजेंट्स। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर इन दिस ऑप्शन? तो कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉइंट पूछा है, जो है पहले वो देख लो और जो नहीं है वो बाद में देख लेना। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि एक कंप्रेस्ड एयर टाइम, ये तो ऑक्सीजन का स्रोत है। थर्ड ऑप्शन है वेंटिलेशन सिस्टम, ऑक्सीजन का स्रोत है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्साइडिंग एजेंट्स, तो ये भी जो है ऑक्सीजन का स्रोत है। तो हॉट वर्क आपके अंदर, इसके हॉट वर्क जो दिख रहा है आपको इसके अंदर, ये जो है ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए फायर रिस्क असेसमेंट इज टू, यानी फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए रिस्क फायर का, रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेज क्या होता है रिस्क असेसमेंट के दौरान? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइडेंटिफाई पर्सन एट रिस्क, सेकंड ऑप्शन है इवेलुएट द रिस्क लेवल, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द फायर हजार्ड्स, फोर्थ ऑप्शन है रिव्यू एंड मॉनिटर। तो व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस ऑप्शन, टेल मी गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि आइडेंटिफाई पर्सन एट रिस्क, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको आइडेंटिफाई करना रिस्क, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस वजह से रिस्क हुई है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन कहता है इवेल्यूएट रिस्क को, क्या करना रिस्क लेवल को इवेल्यूएट करना, कम करना। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द फायर हैजर्ड, ये इसका राइट आंसर है, यानी रिस्क को क्या करना फायर, यानी फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए फायर के अंदर, फायर रिस्क असेसमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए हमारा? तो फर्स्ट स्टेज यही होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना फायर हैजर्ड्स को। आइडेंटिफाई करेंगे तभी उसका कॉजेस हमें पता चलेगा, तभी उसकी रूट और कॉजेस पता चलेंगे, तभी हम इसके कंट्रोल मेजर लगाकर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर रिव्यू एंड मॉनिटर, रिव्यू एंड मॉनिटर का कोई मतलब नहीं है, मॉनिटर करने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें आइडेंटिफाई करने का फायर, आइडेंटिफाई करना होगा फायर हैजर्ड्स को, यही हमारा फर्स्ट स्टेज है रिस्क असेसमेंट के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आइडेंटिफाई द फायर हैजर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 35 हियर इज 35 क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंजरी एसोसिएट विथ मैनुअल हैंडिंग। तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंजरी एसोसिएट विद ए मैनुअल हैंडिंग, यानी अधिकतर कौन सी ऐसी इंजरी है जो मैनुअल हैंडिंग के दौरान हमें हो जा, ये वर्कर को हो जाती है, तो इनमें से बताना है व्हाट इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए डैमेज टू मसल्स एंड टेंडस ऑफ द स्पाइन, यानी मसल्स डैमेज हो गई हैं, स्पाइन डैमेज हो गई हैं, ये है। सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्चर्ड टॉयज, थर्ड ऑप्शन है डिस्क्लोज्ड शोल्डर्स, फोर्थ ऑप्शन है हियरिंग लॉस। सेकंड ऑप्शन कहता है फ्रैक्चर्ड टॉयज, यानी जो पैर का आपका ऊपर टखना है वो फ्रैक्चर हो गया है,
ये कॉमन इंजरी है, वर्क के दौरान इंजरी हो जाती है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन कहता है डिसक्लोज्ड शोल्डर्स, यानी शोल्डर्स जो है डिसक्लोज हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनमें पेन हो रहा है काफ़ी ज़ोर से। फोर्थ ऑप्शन है हेरिंग लॉस, यानी कान जो आपकी डैमेज, कान में सुनाई नहीं देना किसी चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का राइज राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डैमेज टू मसल्स एंड टेंडन्स ऑफ द स्पाइन, यानी मसल्स क्या हो जाती हैं, मसल्स और स्पाइन अधिकतर क्या हो जाती हैं, डैमेज इंजरी हो सकती है मैनुअल हैंडलिंग के दौरान काम करते वक्त, सबसे ज़्यादा जो इंजरी है इन्हीं चीज़ों में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर फर्स्ट ऑप्शन, डैमेज टू मसल एंड टेंडन्स ऑफ द स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 36 इज हियर, विच इज नॉट मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, यानी मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी जो है वो बतानी है इसके अंदर। सॉरी गाइज, विच इज ए नॉट मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, विच इज ए नॉट मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, इसमें जो मैनुअल हैंडलिंग जो एक्टिविटी है इसके अंदर नहीं है वो हमें इन ऑप्शनों में से देखनी है। नेगेटिव क्वेश्चन है गाइज। पहले जो मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी के बारे में, तो मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक तो होती है पुलिंग, ठीक है, और एक होती है पुशिंग, एक होती है एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर है आपकी केयरिंग, और चार नंबर है वो होती है लिफ्टिंग, और पांच नंबर जो होती है मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी वो होती है स्पोर्टिंग, किसी लोड को सपोर्ट करना। तो पांच प्रकार से मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी के बारे में बताया मैंने। पहली है पुलिंग, सेकंड है पुशिंग, और थर्ड है केयरिंग, फोर्थ है लिफ्टिंग, और जो फाइव नंबर पर है वो है स्पोर्टिंग। ये मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी के प्रकार है। तो इनमें से कौन सी नहीं है जो हमें देखनी है? तो गाइस साफ साफ देख सकते हो आप, केयरिंग ए बॉक्स है, पुलिंग ए ट्रॉली नहीं है, स्पोर्टिंग ए लोड भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डिगाइनिंग विद ए स्पेड, यानी स्पेड एक लोड को स्पेड करना, किसी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर रखना। तो ये नॉट ये मैनुअल हैंडलिंग का एग्जांपल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन, डिगेनिंग विद ए स्पेड। क्वेश्चन नंबर 37 हियर इज, विच इज ए प्रिंसिपल ऑफ गुड लिफ्टिंग टेक्निक, विच इज ए प्रिंसिपल ऑफ गुड लिफ्टिंग टेक्निक, यानी गुड लिफ्टिंग का एक अच्छा सा एग्जीक्यूशन क्या है वो बताना है हमें इन ऑप्शनों में से। तो फर्स्ट ऑप्शन है द नीज आर स्ट्रेट, सेकंड ऑप्शन है द लोड इज हेल्ड क्लोज टू द बॉडी, थर्ड ऑप्शन है द फीट आर क्लोज टुगेदर, फोर्थ ऑप्शन है द बैक इज बेंट फॉरवर्ड। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इसे द नीज आर स्ट्रेट, यानी पैर के जो घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि द लोड इज हेल्ड क्लोज टू द बॉडी, यानी जो वेट है वो एकदम, जब भी हम एक लोड को इस प्रकार से लोड को लेते हैं तो ये जो हमारी बॉडी से थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि जो लिफ्टिंग जो है गुड कर सके, एक लेगेज को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सके। लेगेज थोड़ा दूर होगा तभी तन आपको पता है कि इजीली से लोड को जो है मेंटेन कर सकेगा और लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि थर्ड ऑप्शन यह कहता है कि द फिट आर क्लोज टुगेदर, यानी फिट होना चाहिए, बॉडी की टच में होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। सेकेंड फोर्थ ऑप्शन कहता है द बैक इज बेंट फॉरवर्ड, यानी बैक बेंट फॉरवर्ड होना चाहिए, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा द लोड इज हेल्ड क्लोज टू द बॉडी। ओके गाइस टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज ए नॉट पार्ट ऑफ ए मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट, यानी विच इज ए नॉट, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट का हिस्सा नहीं है वो बताना है हमें इसके अंदर। फर्स्ट है टास्क, सेकंड है द लोड,
थर्ड है एमरजेंसीज, फोर्थ है द इंडिविजुअल। तो गाइस बता दूं कि मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट के पार्ट कौन कौन से, तो टास्क है और लोड है और फोर्थ है द एक है द इंडिविजुअल। ये क्या किसके हिस्से हैं? ये मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट के टास्क हिस्से हैं। इसके अंदर साफ साफ एक डिफरेंट सा एक आंसर दिया गया है, वो आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 एमरजेंसीज। ये एकदम इससे डिफरेंट भी है और इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एमरजेंसीज। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच रोल डू इंजीनियरिंग कंट्रोल प्ले इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम हजार्डस सब्सटेंस। विच रोल डू इंजीनियरिंग कंट्रोल प्ले इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम हजार्ड सब्सटेंस। तो वट इज द राइट आंसर गाइज, टेल मी। तो इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जो इंजीनियरिंग क्या करता है, कंट्रोल, उसे कंट्रोल करता है किसके लिए, प्ले इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स यानी वर्कर को सुरक्षा के लिए एक बताता है रूल है, वो इनमें से मैं यूनिवर्सिटी में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द, तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है दे कलेक्ट द कॉन्टेमेंट्स एंड मूव इट अवे फ्रॉम द वर्कर। सेकंड ऑप्शन है द रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन है दे प्रोवाइड एन ऑडियोबल वार्निंग टू वर्कर्स व्हेन दे हैव एक्सीडेड दियर एक्सपोजर लिमिट। फोर्थ ऑप्शन है दे मोनिटर द लेवल ऑफ एयरबोर्न कॉन्टेमेंटस एंड अलर्ट द वर्कर टू द वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट। तो गाइज वॉट इज द राइट आंसर इन दिस ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन सेज दे कलेक्ट द कॉन्टेनमेंट एंड मूव इट अवे फ्रॉम द वर्कर, यानी कॉन्टेमेंट हैं जो भी उनको कलेक्ट करना और मूव करना वर्कर के द्वारा, वर्कर से मूव करना। सेकेंड ऑप्शन है द रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी किसी वर्किंग प्लेस वर्किंग का जो टेम्परेचर है उसको कम करना, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है दे प्रोवाइड एन ऑडियोबल वार्निंग टू वर्कर्स व्हेन दे हैव एक्सीडेड देयर एक्सपोजर लिमिट। तो वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि ऑडियोबल वार्निंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को जब भी एक्सपोजर लिमिट को लगाना हो तब, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन है दे मॉनिटर द लेवल ऑफ एयरबोर्न कॉन्टेमेंटेंस एंड अलर्ट द वर्कर टू द वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट, यानी मॉनिटर करना किसी चीज़ को लेवल के तहत एयरबोर्न को, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर होगा आपका दे कलेक्ट द कॉन्टेमेंटस एंड मूव इट अवे फ्रॉम द वर्कर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज ए रिस्क फैक्टर फॉर वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो विच इज ए रिस्क फैक्टर कौन सा है इनमें से, वर्क प्लेस स्ट्रेस का तहत कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वर्क प्लेस पर स्ट्रेस दे सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द टाइम वर्कर हैज़ बीन एम्प्लॉयड, द लेंथ ऑफ द टाइम वर्कर हैज़ बीन एम्प्लॉयड। सेकेंड ऑप्शन है पुअर टाइम कीपिंग। थर्ड ऑप्शन है डिमांड्स ऑफ द जॉब। फोर्थ ऑप्शन है डिटरमाइंटस। तो वट इज़ द राइट आंसर गाइज इन दिस ऑप्शन? यू हैव टू चेक। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग द लेंथ ऑफ द टाइम वर्कर हैज़ बीन एम्प्लॉयड। तो लेंथ टाइम वर्क काम कर सॉरी काम एक वर्कर के एक एम्प्लॉय के द्वारा जो है एक लेंथ होनी चाहिए टाइम की काम के दौरान, तो इसके साथ कोई मैच नहीं इसका। सेकंड है पुअर टाइम कीपिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं इसका पुअर टाइम कीपिंग, टाइम कम देना किसी चीज़ को। थर्ड ऑप्शन है डिमांड्स ऑफ द जॉब, यानी जॉब की डिमांड रहना, और डिटरमाइंटस इग्नोर करना इस प्रकार से। तो रिस्क फैक्टर फॉर वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी वर्क प्लेस पर स्ट्रेस को किस प्रकार से कम, स्ट्रेस को कम किया जाता है, तो डिमांड ऑफ द जॉब। वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात करें तो इसमें कितने रीजन हो सकते हैं, जैसा कि आपको पता हो कि वर्क प्लेस स्ट्रेस पर जो है काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। एज यू नो वर्क प्लेस स्ट्रेस पर वर्कर जो है वर्क प्लेस स्ट्रेस पर
स्ट्रेस जो है किसके किस किस वजह से हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा इसके बारे में पता चल सके। मोस्टली बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट के अंदर बात करें तो एक्सीडेंट क्यों होने, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि वर्क प्लेस पर कोई वर्कर काम कर रहा है या तो उसके जो घरेलू कहीं पर काम कर रहा है तो घरेलू मैटर की वजह से उसकी पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें कोई बदलाव या कोई झगड़ा हो जाए या फिर उसको लेकर कोई बात हो जाए तो उसकी वजह से भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है और उसको स्ट्रेस आ सकता है, या फिर इसको वर्कलोड जो है ज़्यादा मिल जाए और वो जल्दी करने के चक्कर में जो क्या होगा एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। और एक चीज़ ऐसा भी है कि आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति है जो उसको ड्राइवरी का काम दिया गया है और उसको ड्राइवरी करनी आती नहीं तो जाहिर सी बात है वह करने जाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, यही रिस्टिंग है। और फोर्थ ऑप्शन एक्सीडेंट का रीज़न है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी एक इसका एक्सीडेंट का कारण है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, वह अपने आप पर इतना जब भी वर्क करता है तो इतनी केयर नहीं करता है, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस लगाता है अपनी तरफ से कि मैं आसानी से कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वे कर सकता हूँ, मैं ये रोज़ से ये काम करता हूँ, तो वह भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है एक वर्क प्लेस पर। तो लेट्स गो एंड मूव आवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन व्हाट इज़ द राइट आंसर डिमांड ऑफ द जॉब जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज ए करेक्ट, इनमें से सही जो है कौन सा है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ईयर मफ्स आर वोर्न ऑन द आउटसाइड, देयर फॉर देयर यूज इज इजी टू मॉनिटर, यानी ईयर मफ्स पहने रखना और आउटसाइड देयर फॉर पर यूज करना इजी टू मॉनिटर। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एन ईयर इन्फेक्शन यूजिंग ईयर मफ्स, यानी देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एन ईयर इन्फेक्शन यूजिंग कार मफ्स, तो ये इसका गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन है ईयर मफ्स आर कंपेटिबल विथ हेड प्रोटेक्शन, यानी ईयर मफ्स पहनना किसके साथ, हेड प्रोटेक्शन के साथ भी ईयर मफ्स पहने रखना, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। फोर्थ ऑप्शन है ईयर मफ्स डू नॉट रिक्वायर करेक्ट स्टोरेज, यानी ईयर मफ्स को जो स्टोरेज के स्थान पर वहाँ पर नहीं रखने से क्या होगा, जाहिर सी बात है इक्विपमेंट आपको दिए गए हैं वर्क प्लेस के काम के दौरान तो वो डैमेज हो सकते हैं, किसी चीज़ से टकरा कर टूट सकते हैं, अगर आप एक स्टोरेज स्थान पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रखते हो तो। तो गाइज व्हाट इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो के तहत हमारा ओनली जो क्वेश्चन जो है वो हल करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो साथ साथ आपको हल करवाना ही है और साथ साथ में जो आपको पेपर है वो भी निकलवाना है, और साथ में जो नॉलेज मैंने जितना नॉलेज गेन किया है जहाँ से रिसेंटली आई कम फ्रॉम हैदराबाद, सो आई एम टेलिंग यू कि जितने मैंने नॉलेज गेन किया है वो आपके साथ भी शेयर करूँ, बस यही मेरी थिंकिंग है। तो गाय चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 हेयर इज। क्वेश्चन नंबर 42 विच डिस्क्राइब द रूल ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस, तो विच डिस्क्राइब द रूल ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस पर, यानी कौन सा रूल इनमें से कौन सा डिस्क्राइब है रूल है जो फर्स्ट एड का रूल है जो वर्क प्लेस पर रूल है जो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट फॉर द प्रपोज ऑफ प्रसर्विंग लाइफ एंड मिनिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी और इलनेस एंटिल मेडिकल हेल्प कैन बी ऑब्टेंड। सेकेंड ऑप्शन है एमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस फॉलोइंग एन एक्सीडेंट। थर्ड ऑप्शन है ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस फॉर प्रसर्विंग लाइफ ओनली। फोर्थ ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ रेस्ट फैसिलिटीज फॉर दूज हु आर टेक इल एट वर्क। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर द प्रपोज ऑफ प्रिवेयरिंग लाइफ एंड मिनिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी और इलनेस एंटिल मेडिकल हेल्प कैन बी ऑब्टेंड।
तो यही इसका जो है राइट आंसर है कि एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रपोज होना चाहिए प्रसर्विंग लाइफ को, मिनिमाइज लाइफ को बचाने, एक जिंदगी को बचाने के लिए एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है या बीमार हो जाता है तो उसको पहले क्या करे, जब तक मेडिकल ना उसको पूरी तरह से एक हॉस्पिटल या मेडिकल में नहीं लिया जाए उससे पहले क्या करना, उसको फर्स्ट एड करना वर्क प्लेस पर, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिल सके। बाय द वे उसको ब्लड बह रहा है एक्सीडेंट के दौरान तो उसको पट्टी लगाकर पुट्टी करना, इस प्रकार से उसको टेबलेट कुछ फर्स्ट एड देना, जो सिंपल फर्स्ट एड है वर्क प्लेस पर वो देना, ताकि उसको कोई ज़्यादा इंजरी ना पहुँचे और वह सेफ एकदम सेफ तरीके से जो है हॉस्पिटल में जा पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले आप उसको सीधे ही हॉस्पिटल ले जाए, उसका ब्लड बह रहा है आप हॉस्पिटल इसको ले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो एक वर्कर है उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसको जो है उसकी डेथ होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए वर्क प्लेस पर ही देना चाहिए, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट को जो है फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट के दौरान वर्क प्लेस पर ही, तो ये रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन है ट्रीटमेंट इन वर्क प्लेस फॉर पर्सुइंग लाइफ, एंड ट्रीटमेंट करना चाहिए वर्क प्लेस पर ही, किसके लिए, एकदम लाइफ के लिए ओनली, तो रॉन्ग आंसर। फोर्थ ऑप्शन है द प्रोविजन ऑफ रेस्ट फैसिलिटीज फॉर दोज हु आर टेक इल एट वर्क, यानी कौन व्यक्ति जो है उसको प्रोवाइड करना, रेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना काम पर, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटमेंट फॉर द प्रपोज ऑफ प्रसर्विंग लाइफ एंड मिनिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी और इलनेस एंटिल मेडिकल हेल्प कैन बी ऑब्टेंड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है वो बताना है हमें, विच इज करेक्ट गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए पॉसिबल, इफ पॉसिबल रिस्क शुड बी अवॉइड ए ऑल टूगेदर। सेकेंड ऑप्शन है इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वर्कर्स डू नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड इन रिस्क असिसमेंट। थर्ड ऑप्शन है रिस्क कंट्रोल इज ओनली नीडेड दियर इज ए हाई लेवल ऑफ रिस्क। फोर्थ ऑप्शन है रिस्क कंट्रोल मेजर विच प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स डू नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड। तो वट इज द राइट आंसर गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग इफ पॉसिबल रिस्क शुड बी अवॉइड, यानी अगर पॉसिबल हो तो रिस्क को क्या करना, अवॉइड करना एक स्थान से। सेकेंड ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल नीड ऑफ वर्कर्स डू नॉट, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है साफ साफ जाहिर सी बात है, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है रिस्क कंट्रोल इज ओनली नीडेड, ये क्या कहता है, एकदम इतराता है, ये जो थर्ड जो सेंटेंस है ये इतरा के कहता है कि रिस्क कंट्रोल इज ओनली नीडेड, तो ये जो रॉन्ग आंसर होगा इसका, जहाँ पर हाई लेवल रिस्क हो। फोर्थ ऑप्शन कहता है रिस्क कंट्रोल मेजर कहाँ पर, प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स डू नॉट नीड, तो ये भी रॉन्ग आंसर इसका, डू नॉट नेगेटिव पॉइंट आ गया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इफ पॉसिबल रिस्क शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर, जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है ए साइन दैट शोज दैट वर्क लिफ्ट ट्रक्स ऑपरेट इन द एरिया वुड बी क्लासिफाइड एज, ए साइन दैट शोज दैट फोर्क लिफ्ट ट्रक्स ऑपरेट इन द एरिया वुड बी क्लास्ड एज, यानी एक साइन दैट होना चाहिए, शो करना चाहिए किसको, फोर्क लिफ्ट ट्रक्स को ऑपरेट करने के दौरान एक स्थान पर एक एरिया के अंदर कौन सी क्लासिफाइड है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है मैंडेटरी, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है प्रोहिबिशन, थर्ड ऑप्शन है सेफ कंडीशन, फोर्थ ऑप्शन है वार्निंग। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, तो मैंडेटरी एक सीमित, सेकंड ऑप्शन प्रोहिबिशन किसी वार्निंग किसी चीज़ के बारे में बताना प्रोहिबिशन देना, तो ये भी नहीं है। सेफ कंडीशन सुरक्षा की कंडीशन, फोर्थ ऑप्शन है वार्निंग, तो ये वार्निंग जो इसका राइट आंसर है, साइन दैट शोज के बारे में बात कर रहा है, तो वार्निंग इसका जो है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वार्निंग। लेट्स गो ऑन मूव 45, क्वेश्चन इज हियर विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली लाइकली टू बी इंजरी
ड्यू टू मैनुअल हैंडिंग इन द वर्क प्लेस, यानी कौन सा पार्ट है बॉडी का जो इंजरी हो जाता है किसके दौरान, ड्यू टू मैनुअल हैंडिंग वर्क प्लेस के दौरान। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका द अपर बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है ए लोअर लिम्ब, थर्ड ऑप्शन है द स्पाइन और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द अपर बॉडी, जो ऊपर की बॉडी है उसका हिस्सा जो है क्या हो जाता है, मोस्टली क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है वर्क प्लेस पर, तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए लोअर लिम्ब, यानी जो एक ऊपर का जो लोअर लिम्ब है वो क्या हो जाता है, एक इंजरी हो जाता है किसी वर्क प्लेस के अंदर। थर्ड ऑप्शन द स्पाइन या फिर ऑल्सो लोअर बैक, तो यही इसका राइट आंसर होगा, द स्पाइन या फिर द मान सकते द लोअर बैक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा द स्पाइन। लेट्स गो ऑन मूव, 46 क्वेश्चन इज हियर, विच इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए टॉयलेट कबल कैन बी यूज्ड बाय ए वर्कर टू चेंज इनटू दियर क्लॉथ्स। सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज फॉर क्लॉथिंग डज नॉट हैव टू स्प्रेड इट फ्रॉम द वर्क एरिया। थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज फॉर क्लॉथ्स एंड चेंजिंग फैसिलिटीज नीड टू बी सिक्योर एंड स्प्रेड फ्रॉम वर्क एरिया। फोर्थ ऑप्शन है चेंज साइंस एंड फैसिलिटीज फॉर मेल एंड फीमेल। तो गाइज व्हाट इज द राइट आंसर टेल मी। तो राइट आंसर होगा आपका फैसिलिटीज, स्टोरेज फॉर क्लॉथ एंड चेंजिंग फैसिलिटीज नीड टू बी सिक्योर एंड स्प्रेड फ्रॉम द वर्क एरिया, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 इज हियर, विच इज ए फिजिकल इफेक्ट ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी कौन सा ऐसा फिजिकल इफेक्ट है जो वर्क प्लेस के अंदर क्या क्या स्ट्रेस होता है उसका। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल स्ट्रेस कौन सा इनमें से वर्क प्लेस के दौरान होने वाला, फर्स्ट है हेडेक यानी सर दर्द होना, सेकंड ऑप्शन है इरिटेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है पिंस एंड नीडल्स इन द हैंड्स और फोर्थ ऑप्शन है एन इंक्रीज लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। तो द राइट आंसर होगा द पिंस एंड नीडल्स इन द हैंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा। फिजिकल स्ट्रेस के बारे में पूछा है। लेट्स गो ऑन मूव, 48 क्वेश्चन इज हियर, विच इज एन एग्जाम्पल ए कंट्रोल मेजर दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हियरिंग डैमेज टू वर्कर्स। फर्स्ट ऑप्शन है यानी कौन सा ऐसा इसमें से उदाहरण है कंट्रोल मेजर, इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो ऐसे कंट्रोल मेजर है जो रिस्क को कम करने के लिए और हियरिंग डैमेज टू वर्कर्स ऐसा उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है जॉब रोटेशन, सेकंड है द प्रोविजन ऑफ ए फर्स्ट एड बॉक्स, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हाउसकीपिंग अरेंजमेंट्स, ये भी नहीं है, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, जॉब रोटेशन राइट आंसर इज हियर, क्योंकि जॉब रोटेशन मीन्स थोड़ा बता दूँ मैं आपको इसके बारे में, जॉब रोटेशन वह चीज़ है कि हाफ घंटा या कुछ देर के लिए कोई व्यक्ति काम करता है, कुछ देर के लिए कोई काम करता है, तो ताकि क्या हो उसको रेस्ट एटिंग एरिया मिल सको, और इसके अगर वह जो एक जोर शोर से आवाज़ कर रही है ऐसी मशीन के साथ काम कर रहा है तो उसके अगर कुछ देर के लिए रोटेशन मिलेगा, जॉब रोटेशन मिलेगा, तो उसके कान जो है हियरिंग डैमेज होने से रिस्क को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जॉब रोटेशन। विच डिस्क्राइब्स द रूल ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस, यानी विच डिस्क्राइब कौन सा रूल फर्स्ट एड का वर्क प्लेस पर होना चाहिए। तो मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ
A treatment for the purpose of preserving life and minimizing the consequences of injury or illness until medical help can be obtained. Second option, emergency treatment in the workplace following an accident. Third option, treatment in the workplace preserving life only. तो गाइज सीधी सी बात है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जब तक कोई फर्स्ट एड देना उसको, उसको ब्लड बह रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था उसी प्रकार से ही है। अब गाइज लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि गाइज जब भी आप मेरे हिसाब से कोर्स करने जाओ सेफ्टी के अंदर, तो पहले उस जगह की अच्छी तरह से जाँच कर ले, अपने आपके जितने भी रिलेशन वाले हैं उनसे पहचान ले। ओनली मेरा यही कहना है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को या इंस्टीट्यूट वाले से, लर्नर, आपके लर्नर से बात करके ही, बात करने से ही संतुष्ट मत हो जाना, उसकी पूरी डिटेल तक जाना, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और उस इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं उनसे अच्छी तरह से रूबरू होना, उसके बाद ही जो है आप किसी स्थान को कोर्स करने के लिए चूज करना। क्योंकि गाइज और से ज़्यादा इनमें काफ़ी सारा जो पैसा है वो लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल बात करूँ मैं अगर IGC की, तो IGC के अंदर मान के चल सकते हो कि लगभग कई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दो बार एग्ज़ाम दे दिया, कई ने तो तीन बार दे दिया है, और IGC फीस आपको पता है कोई लर्नर लेता लगभग 60,000 के करीब जो है फीस लेते हैं। वहीं आप अगर मेरे हिसाब से जाओ तो एक किसी एजेंट के थ्रू मत जाना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक लर्न, आप पहले जॉब अच्छी इंग्लिश है तो आप मेरे हिसाब से तो एक लर्नर जो है, एक आपका इंग्लिश टीचर है उसको बिठाकर आप उसको थ्योरी बताना और उसी हिसाब से वो आपको इंग्लिश में करके बताएगा, तो आपके इजी रहेगा। और अगर किसी जगह पर जाओ तो मेरा यही कहना है कि आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट जो है, फैक्चुअल इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल द एशियन इंस्टीट्यूट है एक हैदराबाद के अंदर, उसी प्रकार जो एक फैक्चुअल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ही जाना, बाकी में मत जाना। कि मान लो किसी एजेंट चला रहा है, किसी के नीचे कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, आप उससे जाके टच हो गई, उसने बोला कि मैं आपको पेपर करवा दूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, इस प्रकार से किसी के चक्कर में मत पड़ना, सीधी सी बात यही है। और पूरी बात करना गारंटी बेस, और फीस एक साथ गाइज कभी मत देना, बीच बीच में उसको फीस जो है प्रोवाइड करना, और अच्छी सी बात कर लेना, तभी आपके जो पैसे हैं वो अच्छी एक सही जगह पर लग सकते हैं। अदरवाइज़ कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, फीस ले ली जाएगी और आपको एक फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ा दिया जाएगा, कोई आगे गारंटी नहीं लेता। जब भी आप जब तक तो आप एडमिशन नहीं लेते हो तब तक वो आपको बस आपसे टॉकिंग करते हैं, टॉकिंग तो करते रहेंगे क्योंकि उनको स्टूडेंट चाहिए, और तो बस जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो वो क्या करते हैं कि औरों को जिनसे भी ज़्यादा फीस लेते हैं ना उनको जो है वह उनको कॉपी करवाने लगते हैं और आपकी वो केयर नहीं करते हैं, और स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनके साथ आप बैठे रहते हो, करते रहना, आपके आप पर कोई डिपेंड नहीं है। और ख़ास तौर पर बता दूं मैं आपकी IGC करने के लिए आपको टाइपिंग जो है आपको मस्ट होनी चाहिए, टाइपिंग आपको ज़रूर फास्ट आनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल तो आपको पता है कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है कोविड की वजह से हो रहे हैं एट होम या एट इंस्टीट्यूट। फिर आपको जो है आफ्टर आई थिंक आफ्टर 2022 के अंदर आपको जो है किसी होटल में आपको पेपर देकर जाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है टाइपिंग आपको बहुत सीखनी ज़रूरी है। टाइपिंग फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे साथ क्या, मेरे एक दोस्त था अभी IGC का एग्ज़ाम दिया था तब, हालांकि मेरी तो टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग पर वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मिलेगा टाइपिंग इसके बाद, एक वीडियो मिलेगा। और उसके साथ क्या हुआ कि IGC की स्क्रीन लगभग 55,000 जो है पे किए थे फीस, बहुत ज़्यादा फीस है हमारे लिए, आपको पता है आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा फीस है ये, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करे तो। तो उसको क्या हुआ कि टीचर दूसरी बार देने गया था पेपर, और टीचर ने कोई टीचर क्या कर रहा था, दूसरों को बस कॉपी करवा रहा था, उसकी कोई केयर ही नहीं है, और टाइपिंग में थोड़ी वीक थी उसकी। तो अंतिम टाइम जो उसको हुआ कि अभी लगता है कि 24 घंटे होने वाले हैं पूरे और पेपर सबमिट करना है हमें, तो उसके कुछ 2 या 3 क्वेश्चन रह गए थे उसके अंदर, तो उसको टाइपिंग अच्छी तरह से आते नहीं, अब टाइम बचा नहीं, अनुस्वर आपको पता है कि थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वह भी क्या बाहर शॉर्ट गया कि भी कोई टाइपिंग करने वाला बंदा मिल जाए, हायर कर ले, तो वह भी नहीं मिला अंतिम वक्त पर। तो अभी उसकी लगभग ज़्यादा नहीं तो कुछ पॉइंट छूट गए थे, लास्ट में मैंने अपनी टाइपिंग कम्प्लीट करके उसके जो है कुछ टाइपिंग के क्वेश्चन जो उसके कम्प्लीट करके दिए। तो इसलिए कहता हूँ गाइस किसी पर डिपेंड मत रहना, टाइपिंग अपनी खुद सीखना,
होश के इतना खुद से सीखना। और एक बात और बता दूँ आपकी, कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, सब ऐसे फेंक बोलते हैं, गारंटी गुंटी कुछ नहीं है, जो हो वो आप ही हो, आपको ही को पेपर करना है, कोई किसी की ड्यूटी नहीं है। इसलिए मेरा तो यही कहना मतलब है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में IGC करो तो एकदम उस डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करना और अपने से रीड करना। स्टार्टिंग में IGC मत करना, पहले जॉब करना, थोड़े बहुत अपनी इंग्लिश है वो इसमें इंप्रूव करना, आफ्टर ये IGC करना। नहीं कोई कुछ नहीं करवाने वाला, आप पर डिपेंड है, पैसे लग जाएंगे ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। और आप पता है सेफ्टी के अंदर, सेफ्ट सीधी सी बात है, निबोस एक तरह का बिजनेस है, इसमें ध्यान रखना गाइस, यही बात है मेरी तरफ से। और भी कोई आपको सुझाव चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइस चलते हैं हमारे आज के लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ए डेफिनेशन ऑफ नियर मिस इज, यानी नियर मिस की एक डेफिनेशन बतानी है हमें, इसके अंदर हमें क्या हो सकती है नियर मिस की डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन इवेंट इन विच नो इंजरी और डैमेज रिजल्ट। सेकंड ऑप्शन है एन इवेंट रिजल्टिंग इन पर्सनल इंजरी एंड विच इज रिपोर्टेबल टू द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। थर्ड ऑप्शन है एन इवेंट द रिजल्ट इन हार्म टू वर्कर्स हेल्थ। फोर्थ ऑप्शन है एन अनप्लान्ड एन कंट्रोल्ड इवेंट विच लीड फॉर कुड हैव एंड ए लॉस। तो गाइस सीधी सी बात है, एन इवेंट इन विच नो इंजरी और डैमेज रिजल्ट, यानी एक इवेंट हो जाए और इंजरी हो जाए, रिजल्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो एक नियर मिस होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो एक्सीडेंट के तहत आ गया। सेकेंड ऑप्शन है एन इवेंट रिजल्टिंग इन ए पर्सनल इंजरी एंड विच इज ए रिपोर्टेबल टू द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, यानी पर्सनल इंजरी के दौरान कौन रिपोर्टेबल है, कौन अथॉर्ट कर रहा है, तो ये भी इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एन इवेंट दैट रिजल्ट इन हार्म टू वर्कर्स हेल्थ, यानी एक ऐसा पल जो रिजल्ट खारम करे वर्कर्स को किसी हेल्थ के लिए, तो ये भी इससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है एन अनप्लान्ड, यानी नियर मिस क्या होता है, सीधी सी बात है नियर मिस वह होता है, हिंदी में बोले तो नियर मिस कोई घटना से आप छूकर आए, अरे अरे मैं तो बच गया, आज एक्सीडेंट हो जाता मेरा, थोड़ा सा बच गया मैं तो, या फिर मान सकते हो आप हाइट पर वर्क कर रहे हो और आप थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाइट पर कम को गिरते गिरते बच गए, या फिर कोई रोड है, कोई कंक्रीट है वहाँ पर गिरते गिरते बच गए आप, वो क्या है, एक नियर मिस है। तो सीधी सी बात है फोर्थ ऑप्शन में ये क्या कह रहा है कि नियर मिस क्या है, नियर मिस इज अनप्लान्ड, यानी उसका कोई प्लान नहीं होता, अनकंट्रोल उसका कोई, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसा अनकंट्रोल इवेंट को इस पर कोई ऐसा कोई अनकंट्रोल्ड होता है वह, और विच लीड फॉर कुड हैव एंड लॉस, यानी लॉस हो सकता है उसके साथ, लॉस होप हो सकता है उसके साथ, तो वह एक नियर मिस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एन अनप्लान्ड अनकंट्रोल्ड इवेंट विच लीड फॉर कुड हैव एंड टू ए लॉस, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये गाइस कुछ 15 क्वेश्चन के अबाउट क्वेश्चन थे, हमने लगभग डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चन में, हमने पहले वीडियो के अंदर पार्ट वन डिस्कस किए थे, 15 क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। तो इसके अंदर मैंने साथ साथ आपकी थ्योरी भी मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाते हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कोई गलती हो गई तो, लेकिन जो भी मैंने आंसर बताए वो आपको एकदम से हू बहू एकदम सटीक बताए हैं। 100 क्वेश्चन आपके पास लगभग मेरे द्वारा प्रोवाइड कर चुके हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर रीड करना, आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल मिलेगी इसके अंदर, और आपको ईजी लगे तो मत करना, आपकी मर्जी, एज यू विश। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रीवियस वीडियो कैन यू चेक, यू कैन चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो वॉन्ट टू फॉल इन्फॉर्मेशन दिस HSW कोर्स, ऑल्सो लिंक प्रोवाइड इन दिस वीडियो, इन दिस वीडियो एनी मिस रिगार्डिंग फ्रॉम मी तो आई एम सो सॉरी, फ्रॉम मी गुड विशेज, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, थैंक यू फॉर, थैंक यू। तो गाइज ये थी, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 15 क्वेश्चन, लगभग हमें 2 घंटे के लगभग काम किया है इसलिए, और मैंने जितने भी ये आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सभी जो है मैंने जो सीखा है वही मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और मेरा एग्ज़ाम मेरा रिजल्ट भी आपको आ चुका है, मैंने HSW कोर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो अपना रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर भी किया था, कितने मार्क्स आए हैं। और मैं बता दूँ HSW के जो सेकेंड पेपर है उसका कुछ कोई मतलब नहीं है, एकदम छोटा सा रिस्क असेसमेंट है, थोड़ा सा कॉपी करना कुछ नहीं है, मैन बस ये इम्पोर्टेंट बस यही है। तो गाइस
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, टेक केयर, लव यू ऑल। इसकी जो आपको अगर PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वो उसको आपको सर्चेबल कर सकते हो और वहाँ से ज्वाइन करके इसको PDF वो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। नाउ फिर आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ही सीरियस हालत है, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, वियर मास्क एंड प्रे फॉर आवर डॉक्टर्स एंड पुलिस एंड मेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ। ओके गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।